So hello everyone, I am Sivan Sagar from 18 batch computer science branch of DC and I think सभी लोग यहाँ पे जो भी हैं सब DC के ही हैं, right? हाँ कंफर्म कर लेते हैं। ओके, सब मोस्टली लोग 20 बैच हमको दिख रहे हैं। 19 बैच से भी कोई है क्या यहाँ पे? नहीं, आई गेस सब लोग 20 बैच। ओके, कोई बात नहीं नहीं। तो आज का जो सेशन है, बेसिकली आज फर्स्ट सेशन है। ऐसे मैं मे बी वीकली सेशन ले सकता हूँ इस पे, और जब भी जरूरत हो तब ले लेंगे, वो ग्रुप में हम लोग डिसाइड कर लेंगे कब। तो आज का जो सेशन है एकदम बेसिक्स रहेगा, बिगनर ऑफ क्रिप्टो होता क्या है, ये एकदम बेसिक्स इंट्रोडक्टरी सेशन है बेसिकली है। बट उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग कितने लोग इसका नाम सुने हैं या इसके बारे में जानते हैं, या कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पहले से, या फिर कुछ भी नॉलेज है आप लोग को एक बार शेयर कीजिए, ताकि मुझे आइडिया लगे कि कितने लोग एकदम नए हैं या फिर कितने लोग थोड़े बेचान हैं इसके बाद। एनीवन मैसेज भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ओके, निशा ने हैंड रेज किया, रेफरेंस उसको पता है। ओके, और कोई? देखो, सुना तो जरूर होगा तुम लोग ने नाम, बट नाम के अलावा कुछ जानने का कभी ट्राई किया क्या होता है, या कोई लोग इन्वेस्ट कर रहा है अभी, मतलब किए हो तुम लोग? हैंड रेज करने से मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा बोल ही सकते हो कि हाँ सर बस नाम जानते हैं या फिर इन्वेस्ट किए हैं, ऐसे करके भी बोल सकते हो तुम लोग। सर, लाइक प्राइस रेंज बस पता है जैसे कि, बट इंटरनल कैसे काम करता है ना वो नहीं पता है। प्राइस रेंज मतलब नहीं समझे, क्या जैसे पता है कि आपको? अभी कोई, जैसे कि अभी कोई क्वाइन है उसका अभी लो चल रहा है या फिर हाई चल रहा है, ये सब टाइप। ओके, तो ये कहाँ से पता कर रहे हो? आई मीन कोई वेबसाइट या कहीं? वो जो प्लेटफॉर्म है ना, CoinDCX, मीन्स कोई भी प्लेटफॉर्म, उस पे लाइक रेगुलरली वॉच करते रहो और फिर जो कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करके देखते हो तो वहां पे कभी लॉस कभी गेन थोड़ा थोड़ा। ओके, कॉइन डी सिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो तुम इन्वेस्ट भी किए हो क्या कॉइन डी सिक्स पे? हाँ, मीन्स कभी, मीन्स कह सकते हैं इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्ट पैसा डाले हो? किया है। हाँ, डालें। ओके, सो अच्छा है, फिर तो नॉलेज है थोड़ा बहुत मीशा, ये बेसिक नॉलेज है। अच्छा ठीक है, चलो। तो आई गेस कुछ लोग को पता है और बाकी लोग एकदम से नए हैं, तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं एक बार। तो लेट मी प्रेजेंट माई स्क्रीन फर्स्ट। सो मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोग को आई गेस। और ये सेशन को सुना, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना है, मतलब तुम लोग बोल सकते हो डाउट जो भी हो। स्क्रीन हाँ ठीक है ठीक है, तो इंटरेक्टिव बनाओ, एक्साइटमेंट रखो, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग चीज हम लोग जानने वाले हैं आज। तो मतलब नॉर्मल लेक्चर की तरह मत लेना कि हम आए स्पीच दें, मतलब थोड़ा इंटरेक्टिव रखो इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली होता है। तो क्रिप्टो करेंसी को एकदम बेसिक्स बोले तो ये दो वर्ड से बना है, क्रिप्टो और एक करेंसी। करेंसी तो हम लोग सभी जानते हैं कि हर एक कंट्री का एक अपना नेटिव करेंसी होता है। यहाँ का INR है, अमेरिका की USD डॉलर है। तो बेसिकली करेंसी का मतलब हम लोग को पता है। क्रिप्टो एक नया टर्म है जो कुछ लोग को पता है, मे भी कुछ लोग को नहीं पता है। तो क्रिप्टो का बेसिकली मतलब होता है ना, मतलब डिजिटल डेटा। हम लोग एक पैकेट पैकेट में रखें उसको, तो उसके पूरा होल पैकेट को हम लोग क्रिप्टो बोल सकते हैं, और वो सिक्योर्ड हो, इनक्रिप्टेड हो, ये उसका बेसिकली मतलब होता है क्रिप्टो का। और अगर दोनों को एक साथ बोले क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो एक ऐसा करेंसी जो डिजिटल हो, इनक्रिप्टेड हो, सिक्योर हो, उसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक सा हम लेमेन टर्म में मतलब बताएं, जो कोई भी समझ जाए कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या। हाँ, एक और बात कि करेंसी जनरली कंट्रीज का अलग अलग होता है, जैसे इंडिया का INR, लेकिन क्रिप्टो करेंसी कोई एक कंट्री का नहीं है, ये ग्लोबल है, मतलब ये ग्लोबल करेंसी है और ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। मतलब इसको कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन बॉडी गवर्न नहीं करती है, रेगुलेट नहीं करती है, ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब हुआ कि कोई भी उसको सेंट्रलाइज नहीं कर रहा है। बेसिकली सेंट्रलाइज का मतलब होता है गवर्न करना, रेगुलेट करना, कोई भी कंट्री या गवर्नमेंट। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है, डेट मीन्स कि यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा भी है नीचे, क्रिप्टो करेंसी आर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि इसको कोई भी रेगुलेट गवर्न नहीं करती है, ये हम लोग ही एक तरह से रेगुलेट कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब हर लोग का एक अपना अधिकार है इस पे। तो ये कोई भी कंट्री का नेटिव को टोकन नहीं है या नेटिव करेंसी नहीं है, बेसिकली बोलो तो ये ग्लोबल है, ठीक है। तो ये है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का बेसिक्स। डीप में जानना है तो बहुत कुछ जान सकते हो, पढ़ सकते हो, हम रिसोर्स वगैरह शेयर कर देंगे ग्रुप में अगर तुमको जानना है तो। लेकिन अभी आज का सेशन बेसिकली इंट्रोडक्शन है, तो हम बेसिक्स बेसिक्स ही बता रहे हैं, ज्यादा हम टेक्निकल भी नहीं जाएंगे ताकि कंफ्यूजन हो। तो ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी होता है, एक कॉमन सा थोड़ा सा
ये होता है मिथ है या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टोग्राफी सेम है क्या, क्योंकि हम लोग सीएसई से हैं बेसिकली, बहुत लोग यहाँ पे सीएसई से होंगे, बेसिकली हम लोग इंजीनियर हैं, टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो क्रिप्टोग्राफी एक सब्जेक्ट भी है सीएसई में आगे जाके, तो क्रिप्टोग्राफी तो जैसा मैं सब्जेक्ट बताया तो एक टोटल अलग ही फील्ड है। यहाँ आपको पढ़ना होगा कि कैसे आप इनक्रिप्ट कर सकते हो कोई चीज को, मतलब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्रिप्टोग्राफी प्रायर टू मॉडर्न एज वाज इफेक्टली सिनोनिम विद इनक्रिप्शन। तो यहाँ कन्वर्ट करते इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए रीडेबल स्टेट टू अनटेंजिबल नॉनसेंस, मतलब कि ऐसा जो हम लोग डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते वो इनक्रिप्ट हो जाता है, और जिसके पास वो डिकोडिंग टेक्निक होगा या उस टेक्निक की मदद से हम लोग डिकोड करके उस मैसेज को पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये इनक्रिप्शन से रिलेटेड चीज है। हैक करके चोरी कैसे कर लेते हैं हम बताएंगे। सारा डाउट्स तुम लोग मैसेज पे डाल दो, हम एक एक करके एक बार ये सेशन लेने के बाद सारा चीज बात करेंगे उस पर। तो हाँ तुम क्या बता रहे थे, हाँ क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एक टेक्निक है जहाँ पे हम लोग कोई भी डिजिटल डेटा को इनक्रिप्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो का बस आगे का सब जो क्रिप्टो है, इसलिए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी इनक्रिप्टेड है, सिक्योर है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन टेक्निक एकदम क्रिप्टोग्राफी एक फील्ड है, टेक्निकल फील्ड है, यहाँ आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा इनक्रिप्शन के रिलेटेड। और क्रिप्टो करेंसी बेसिकली उससे रिलेटेड इसलिए है कि बस वो सिक्योर्ड है, इसलिए क्रिप्टो टर्म यूज किया गया, डिजिटल है इसीलिए। ओके, तो दोनों बहुत हद तक अलग है, और ऐसा ये नहीं बोल सकते कि क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जिसपे क्रिप्टो करेंसी वर्क कर रहा है। बस हाँ नाम सेम इसलिए है क्योंकि क्रिप्टोग्राफी का भी मतलब होता है इनक्रिप्शन, डेटा को इनक्रिप्ट करना, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जिसपे काम करती है वो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और वो क्या हम बताते हैं ब्लॉकचेन, अब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर मान लो कि मेरा कोई ग्रोसरी का दुकान है, ठीक है, तो उस दुकान में जितने भी लोग आ रहे हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, उसका हम कहीं लेजर खाता बुक जिसको खाता बोलता है उसमें मेंटेन करेंगे ना, तो वही ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन मतलब इज अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक्स। यहाँ पे अब जैसे मान लो एक दिन का एक ब्लॉक, हम बोलें कि एक दिन में जितना ट्रांजेक्शन हुआ वो एक ब्लॉक है मेरा, तो उस टोटल नंबर ऑफ जितने ट्रांजेक्शन उसको हम ब्लॉक बोल रहे हैं। तो यहाँ भी जो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड है उसको एक मतलब एक पार्टिकुलर लिस्ट, वो किसी एक दिन का हो सकता है, किसी एक टाइम फ्रेम का हो सकता है, उसको हम लोग ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। और उसको लिंक करते, देखो हम यहाँ पे हम एक फोटो भी दिखा रहे हैं, एक ब्लॉक, फिर ब्लॉक 10, ब्लॉक 11, ब्लॉक 12, ऐसे अनलिमिटेड ब्लॉक रहते हैं जिसमें क्या क्या स्टोर होता है, तो उसके प्रीवियस टाइम स्टैम्प और भी कुछ कुछ चीज, हम ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, बस यही बता रहे हैं कि इसमें ये बेसिकली एक डिजिटल लेजर है, ठीक है, जहाँ पे डिजिटली हम लोग स्टोर करते हैं जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से। ये मान लो मुझे अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी भेजना है या किसी से लेना है, तो बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका कहीं तो रिकॉर्ड होगा ना, तो वो रिकॉर्ड ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जहाँ पे सारा स्टोर होता है, और वहां पे हम लोग जाके हर एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना का ट्रांजेक्शन कब कहाँ से कहाँ हुआ, वो सारा ट्रांसपेरेंट वे में दिखता है। और इसलिए डिसेंट्रलाइज भी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी का भी एड्रेसेस देख सकते हैं कि वो मतलब कहाँ कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस एड्रेस से किस एड्रेस पे कहाँ कितना भेजा गया, कितना अमाउंट ऑफ भेजा गया, ठीक है। ये नहीं पता होगा हम लोग को कि ये एड्रेस किसका है, लेकिन ये पता चल जाएगा अच्छा इस एड्रेस से इतना एड्रेस यहाँ पे हम लोग भेजा गया है, ठीक है। और ये सारा मेंटेन होता है ब्लॉकचेन पे, तो ये बेसिक ब्लॉकचेन होता है, ठीक है। हैश क्या होता है, तो हैश यहाँ पे जो एक एक टर्म देखे होगे, हैश, प्रेव हैश, तो बेसिकली हैश क्या हुआ ना, हैच एक फंक्शन होता है, मैथमेटिकल फंक्शन, जो कि कोई भी जो लेंथ हुआ इनपुट, जैसे मान लो यहाँ पे बेसिकली ये इनक्रिप्ट करता है, इसलिए ये भी थोड़ा बहुत तुम क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड ही चीज है, हम ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे नहीं तो तुम लोग को बोरिंग लगेगा। तो इसका यूज होता है मतलब जैसे हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मान लो हम किसी को भेजे क्वाइन भेजे या करेंसी भेजे, तो वहां पे इसका यूज होता है ताकि ताकि वो जो ट्रांजेक्शन है उसको सिक्योरली इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जा सके। तो वहां पे और ये सारा मशीन्स और बड़े बड़े कंप्यूटर्स के द्वारा होता है, ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन एंड और सारा चीज। और जिस कंप्यूटर का ज्यादा हैश रेट हुआ, मतलब वो 1 सेकंड में ज्यादा हैश जनरेट कर रहा है, तो वो ज्यादा ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा। और इसी से रिलेटेड एक टर्म सुने होगे मे भी तुम लोग, बिटकॉइन माइनिंग या क्रिप्टो माइनिंग। तो क्रिप्टो माइनिंग में बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे माइनिंग से अगर डायरेक्ट माइनिंग का मतलब समझोगे तो जैसे कोल माइनिंग होता है जहाँ पे हम लोग कोल को खोद के निकालते हैं, फिर वैसा का गोल्ड माइनिंग हुआ, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है। बस नाम इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन को एक तरह से हम लोग गोल्ड से रिलेट करते हैं और माइनिंग को इसलिए वहां पे यूज किया गया है, ठीक है। तो
मतलब थोड़ा रिलेटेबल साउंड करे, लेकिन यहाँ पे डिजिटल चीज में माइनिंग वैसा तो होगा नहीं कि वहां पे खोद रहे हैं या फिर कुछ भी। तो माइनिंग का क्या मतलब हुआ? माइनिंग का मतलब हुआ कि जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, जितना ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स बन रहा है, उस सबको वेरीफाई करना या फिर वो सिक्योरली हो रहा है या नहीं, या ट्रांजेक्शन को कंफर्म करना बेसिकली बोले तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारा कंप्यूट पावर का मतलब हार्डवेयर का जरूरत पड़ता है। बेसिकली लोग सीपीयू ग्राफिक्स कार्ड वगैरह से माइन करते हैं, बड़े बड़े सिस्टम्स लगाते हैं, ये हम लोग खुद भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप वगैरह से भी, लेकिन उतना प्रॉफिटेबल या फिर बोलो तो उतना ज्यादा हैश रेट वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसलिए हम हैश पहले बताया क्या होता है। तो जितना ज्यादा पावरफुल वहाँ कंप्यूटर होगा उतना ज्यादा हैश रेट होगा, हैश रेट का मतलब उतना ज्यादा ट्रांजेक्शन तुम एक बार में वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, तो उसको माइनिंग बोलते हैं। और उसको माइन करने पे क्या होगा? उसको माइन करने पे कुछ रिवॉर्ड्स मिलता है। मान लो कि हम दिन भर में 1 लाख ट्रांजेक्शन वेरीफाई किए ब्लॉकचेन पे या कंफर्म किए, तो उस पे एक दिन का मेरे को इतना बिटकॉइन, 0. समथिंग बिटकॉइन तुमको फ्री में मिला। तो हर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग सपोर्ट नहीं करता है, जरूरी नहीं कि करे, कुछ करता है जैसे बिटकॉइन इथेरियम वगैरह करता है, और सारा नहीं करता है। तो अब बेसिकली माइनिंग के हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो किसी और दिन कवर करेंगे। हम बेसिक्स बताएं कि ये सारा क्या है। तो बेसिकली तो हम लोग जान गए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, हैश और माइनिंग क्या होता है, इसका बेसिक जान गए एटलीस्ट। इतने में किसी को कुछ डाउट्स है या फिर कुछ है तो बताओ, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी बेसिक चीज था जितना तुम लोग को पता होना चाहिए। ओके, तो हम अब यहाँ से एक एक करके चार्ट ले लेता हूँ। प्रशांत कुमार का, सर क्रिप्टो करेंसी हैकर हैक करके चोरी कैसे कर लेता है? देखो, क्रिप्टो करेंसी हैकर हैक ऐसे कर लेता है कि तुम्हारा जो जो भी करेंसी है वो अपने एड्रेस पे वो भेज दिया, बेसिकली वो अपने पास भेज लिया, तो इसी को बोलते हैं हैक कर लेता है। और ये जरूरी नहीं है कि सबका हैक हो जाए, पहले तो वो थोड़ा बहुत लूप होल था, मतलब हम 2017 से कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, उस टाइम तो बड़े बड़े एक्सचेंज वगैरह भी हैक हो जाते थे, मतलब एक्सचेंज को हैक कर लिया, वहां से जितना कॉइन है सब अपने वॉलेट में भेज दिया, तो सारा पैसा तुम्हारा चला गया। लेकिन अब इतना ज्यादा सिक्योरिटी आ गया है कि अब अगर अगर हैक हो रहा है ना तुम्हारा, तो डैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है, तुम पासवर्ड वीक लगाए हो या फिर तुम एंड टू एंड या टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लगाए हो। और आज के टाइम में एकदम जितना भी प्लेटफॉर्म है, जैसे किसी ने बोला था ना शायद कि कॉइन डीसी यूज करते हैं, हाँ, तो उसमें भी एंड टू एंड या टू टू स्टेप वेरिफिकेशन होगा। हर एक प्लेटफॉर्म पे अब टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना मैंडेटरी है, मैंडेटरी लगाना जरूरी है क्योंकि उससे तुम लोग सेव कर सकते हो। तो हैकर वैसे ही हैक करते हैं कि अब जैसे मान लो वीक पासवर्ड या कैसे भी लूपहोल में तुम्हारे एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म पे किसी का अननेसेसरी माइक ओपन है। प्रशांत क्लोज कर दो। हेलो, तो वैसे ही वैसे घुसेंगे एक्सचेंज में और तुम्हारा कॉइन लेके अपने वॉलेट पे भेज देंगे, वैसे हैक हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज है कि एक बार हैक हो गया ना, तो फिर ना तो एक्सचेंज कुछ कर पाएगा ना कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एक जब ट्रांजेक्शन हो जाता है ना कंप्लीट, तो वो रिवर्स नहीं होता है ब्लॉकचेन, ठीक है। तो एक इसका यहाँ पे डिमेरिट भी और इसका एडवांटेज भी है कि एक बार आप ट्रांजेक्शन कर लो तो एड्रेस जो डाल रहे हो, हाँ ब्लॉकचेन एड्रेस क्या होता है वो बता देते हैं। जैसे हम बताया ना कि यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन भेजते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो हर ट्रांजेक्शन मतलब हर एक वॉलेट का या फिर हर एक प्लेटफॉर्म का ना एक अपना एड्रेस होता है। अब इसको हम थोड़ा एक एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं तुमको क्या होता है। तो जैसे मान लो कि हम लोग फिजिकल दुनिया में क्या करते हैं, अगर किसी को स्पीड पोस्ट करना है या कुछ लेटर भेजना है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका एड्रेस घर का लिखते हैं और स्पीड पोस्ट जाके कर देते हैं। तो बेसिकली जो घर का एड्रेस है वह यहाँ डिजिटल दुनिया में ब्लॉकचेन एड्रेस बनता है क्रिप्टो करेंसी का। तो वो एड्रेस हम लोग लिखते हैं सामने वाले का, सेंडर रिसीवर एड्रेस, और फिर हम लोग क्वाइन को भेजते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग यूज किए स्पीड पोस्ट, इंडिया का जो कुरियर है बेसिकली अपना, तो यहाँ भी बहुत अलग अलग तरह के कुरियर्स हैं क्रिप्टो करेंसी में भी। और हर कुरियर जो है यहाँ फिजिकल में ब्लू डार्ट है और भी ई कार्ट है जितना भी है, वो अलग अलग डिलीवरी चार्ज लेता है उसको पहुंचाने के लिए। यहाँ भी अलग अलग जितने कुरियर हैं वो भी एक डिलीवरी चार्ज बेसिकली लेते हैं तुम्हारे क्रिप्टो करेंसी को वहां पहुंचाने के लिए, ठीक है। सेम चीज है, हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे तुम जो भेजे उसका जो तुमको डिलीवरी चार्ज लगा, तो यहाँ पे उसी को बोलते हैं ट्रांजेक्शन फी, ठीक है, ट्रांजेक्शन फी लगता है। अब ये अलग अलग कुरियर पे डिपेंड करता है। अभी मैं कुरियर बोल रहे हैं फिजिकल में, यहाँ पे होते हैं नेटवर्क, इसको नेटवर्क बोलते हैं, और ये नेटवर्क एक तरह से क्वाइन का सर ही। हाँ हेलो, एक बार बताइए, क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? क्रिप्टो करेंसी बताया तो अभी, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा करेंसी है जो कि
डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, मतलब कि ये कोई कंट्री ओन नहीं करती, ये हम लोग ओन करते हैं। और इस करेंसी एक तरह से एसेट बोल लो तुम, ये एक डिजिटल एसेट हो गया तुम्हारा, जहां पे तुम इसको बाई कर सकते हो, इसको खरीद कर रख सकते हो, और तुम बोल सकते हो कि इतना एसेट है मेरा। जैसे हम यहाँ जमीन खरीदते हैं फिजिकली, या फिर कोई रियल एस्टेट बिल्डिंग्स खरीदे या कुछ भी, तो ओन करके बोलते हैं ना, या फिर गोल्ड खरीदे, सिल्वर खरीदे, और बोलते हैं ना कि मेरे पास 10 ग्राम सोना है, या फिर तो उसी तरह डिजिटल दुनिया में सब क्या बोल सकते हैं, तो ये डिजिटल एसेट है। सर वही तो नहीं ना हुआ, जैसे शेयर मार्केट में जाए कोनो कंपनी में इन्वेस्ट किए तो वही क्रिप्टो हाँ, करेंसी में शेयर हो गया। मार्केट, देखो शेयर मार्केट जो चीज है वो वहां पे हम लोग इन्वेस्ट जो करते हैं वो किस में करते हैं, कंपनी के स्टॉक्स में करते हैं, कंपनी के शेयर्स में करते हैं, ठीक है। तो कंपनी का जो शेयर वो भी एक टाइप का तुम्हारा एसेट है, कि तुम बोल सकते हो कि हाँ रिलायंस में मेरा इतना शेयर है और इसका वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है डिपेंड ऑन टाइम क्या चल रहा है अभी। सेम उसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी वैसा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को तुम शेयर से ना रिलेट करके, क्योंकि शेयर तुम्हारा एक कंपनी का होता है, ये किसी कंपनी का नहीं है, ठीक है। तो इसको तुम गोल्ड और सिल्वर से रिलेट करो, गोल्ड और सिल्वर किसी कंपनी का नहीं है, ठीक है। तो ये भी किसी कंपनी का नहीं है, ये डिजिटल एसेट है और डिसेंट्रलाइज्ड है टोटली, समझ गया। जैसे कि सर कोई ऐप पर गए, मान लीजिए वहां पर सोना हम खरीद दिए 10,000 कुछ का, तो हमारा क्रिप्टो हाँ करेंसी हो गया। नहीं, सोना तुम्हारा क्रिप्टो करेंसी नहीं हुआ, सोना कभी भी क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्योंकि सोना फिजिकल है। और जो सोना तुम ऐप पे खरीद रहे हो, जैसे बहुत सारा सोना ये बेसिकली क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयरिकल भी मिल रहा है, जैसे तुम फोन पे या किसी भी ऐप पे जाके, अगर तुम, ये नहीं हो गया कि तुम डिजिटल करेंसी बाई कर रहे हो। गोल्ड पे फिजिकली अलॉट कर दिया जाता है, वहां पे वो भले ही तुमको मिल नहीं रहा है लेकिन उसका वैल्यू तुमको दे दिया गया, ठीक है, ये होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी टोटली डिजिटल चीज है, यहाँ पे हर एक चीज डिजिटल ही हो रहा है। कैसे प्रोसेस हम बता भी रहे हैं तुमको कि ब्लॉकचेन के जरिए इसका ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और वो जो गोल्ड है उसमें ये सब नहीं होता है, ब्लॉकचेन नहीं होता है, क्रिप्टोग्राफी वगैरह ये सब हैश रेट ये सब कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो एक फिजिकल चीज है और ये डिजिटल चीज है। हाँ, लेकिन कंसेप्ट सेम है, कि वो भी एक एसेट है, ये भी एक एसेट है, ये डिजिटल एसेट है, वो फिजिकल एसेट है, ठीक है, क्लियर। हेलो, हाँ सर, क्लियर है। हाँ, तो हम बता रहे थे ना कुरियर का, तो नेटवर्क्स का बेसिकली, तो यहाँ पे जैसे अलग अलग कुरियर्स अलग अलग डिलीवरी चार्ज लेते हैं, जैसे ई कार्ट अलग लिया, इंडिया पोस्ट का अलग चार्ज है, हल, तो वैसे भी वहां भी अलग अलग जो कुरियर है, कुरियर को वहां पे बोलते हैं नेटवर्क्स, और नेटवर्क्स हो सकते हैं क्वाइंस बेसिकली, मे बी क्वाइंस का अपना नेटवर्क होता है, जैसे हम तुमको बताते हैं कुछ कुछ, इतने सारे बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ भी बहुत सारा डिलीवरी कुरियर है, वहां भी बेसिकली बहुत सारा है, तुम दिखा रहे हो। वो क्या करते हैं ना, ट्रांजेक्शन फी बता रहे थे, तो वो जो भेजने में तुम्हारा जो चार्ज लगता है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ यस रही है सर। सर। हाँ, ठीक है, हाँ तो भेजने में जो चार्ज लगता है, डिलीवरी चार्ज बेसिकली यहाँ पे, तो उसी को ट्रांजेक्शन फी बोलते हैं, ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, और वो हर कुरियर का अलग अलग होता है, जैसे यहाँ अलग है वहां भी, तो वहां कुरियर को नेटवर्क बोलते हैं। और नेटवर्क में क्या होता है कि अब जैसे हम भेजे, तो अगर हम यहाँ इंडिया पोस्ट से भेज रहे हैं, तो उसका टाइम चार्ज और हर एक चीज अलग होगा ई कार्ट से, ई कार्ट में भी 2 दिन में कर रहा हो, स्पीड पोस्ट 3 दिन में कर रहा हो, या इसका डिलीवरी फी, तो हर एक चीज डिफरेंट होगा, क्योंकि हम लोग दो डिफरेंट कुरियर से भेज रहे हैं। लेकिन क्या सामान डिफरेंट होगा? नहीं, सामान तो वही होगा ना, क्योंकि एक ही सामान अगर हम दोनों कुरियर से भेजे, तो कुरियर से सामान नहीं चेंज हो रहा है, बस डिलीवरी टाइम फी वगैरह सब चेंज होता है, जो उस पर डिपेंड करता है। सेम यहाँ भी अगर हम लोग, अब नेटवर्क बताते कितने तरह होता है, तो नेटवर्क यहाँ पे जैसे बेसिकली अभी चल रहा है तुम्हारा बाइनेंस का स्मार्ट चेन हो गया, बिटकॉइन का अपना इथेरियम ERC-20, एक ट्रॉन का ट्रॉन नेटवर्क हो गया TRX, तो ये सब नाम है बेसिकली क्वाइंस का, और इस क्वाइंस का अपना नेटवर्क है जिसका हेल्प से वो लोग ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हैं। अब इस सब का अपना फी है, सबसे ज्यादा सस्ता बेसिकली अभी मैटिक का चल रहा है, मैटिक बहुत चीपेस्ट वे में भेज देता है, ठीक है, और फास्टेस्ट भी है। तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग चूज कर सकते कि किस नेटवर्क के जरिए हम लोग अपना क्वाइंस को एक एक जगह से दूसरे जगह भेजें। तो जो अभी नया है उसमें बाइनेंस का स्मार्ट चेन नया अभी लॉन्च हुआ है, नेटवर्क मैटिक न्यू लॉन्च हुआ है इधर ही, तो ये सब क्या कर रहा है ना, जितना जो लॉन्च हो रहा है न्यू, ये लोग क्या करता है ना कि फी रिड्यूस करता है, कि जितना कम फी, मान लो अब 1 लाख रुपया का हम क्रिप्टो करेंसी भेज रहे हैं किसी को, और उस 1 लाख को भेजने में ही हमको 10,000 रुपया ट्रांजेक्शन फी देना लग गया, तो हम लोग वो कुरियर या फिर वो नेटवर्क क्यों यूज करेंगे, जब हम लोग को उतना पे सिर्फ भेजने में ही लग गया, वहां 90,000 पहुंचा, हम 1 लाख यहाँ से भेजे, 10,000 ट्रांजेक्शन फी में कट गया। तो हम लोग वो यूज करेंगे जो फास्ट भी हो और फी कम हो, ठीक है। तो अभी जितने भी नए नेटवर्क्स आ रहे हैं वो सब इसी पे काम कर रहे हैं, कि वो फास्ट भी करें उस प्रोसेस को और फी भी रिड्यूस करें। तो अभी जितने नए नए आ रहे हैं, पहले तो बिटकॉइन का अपना चलता था, ठीक है, तो वो सब
ट्रांजेक्शन फी बहुत लेता है, ठीक है। तो वो लोग अब हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग न्यू बाइनेंस स्मार्ट चेन हो गया, मैटिक का नेटवर्क या ट्रॉन का नेटवर्क बेसिकली यूज करते हैं, जो थोड़ा चीपेस्ट भी और फास्टेस्ट भी हो। डिपेंड करता है, सबका अपना स्पीड अलग है, टाइम अलग है, थोड़ा बहुत फी का डिफरेंस हो जाता है। तो बेसिकली ये बेसिक्स था, हम डाउट ले रहे थे क्या क्या। तो हैकर वाला तो बता दिया कैसे हैक होता है। क्रिप्टो की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, मीशा का ये क्वेश्चन है, क्रिप्टो की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। तो क्रिप्टो की वैल्यू हम लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम बताएं कि कोई भी कंपनियां, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जिसके जो उसकी वैल्यू डिसाइड कर दे। मीशा तो लेफ्ट कर गई शायद, या है वो? हेलो, है सर, सर मीशा है? अच्छा ठीक है। तो हाँ ठीक है, क्या बता रहे थे हम कि मीसा का क्वेश्चन था कैसे डिसाइड होती है। तो कोई गवर्नमेंट या कंपनी डिसाइड नहीं करती है, हम लोग डिसाइड करते हैं। और कैसे होती है, जैसे सपोज करो कि एक इनिशियल कोई क्वाइन का वैल्यू कुछ भी हो, मान लो 1 रुपया है, ठीक है। अब अगर तुम उसको बाई किए, तो तुम्हारे पास 1 रुपया का जो भी, मान लो 1 रुपया का एक क्वाइन मिल रहा है, तो तुम 1 रुपया का बाई किए, तो वो एक क्वाइन तुम्हारे पास आ गया, ठीक, ऐसे करके। और हर क्वाइन का एक लिमिटेशन भी होता है, कुछ कुछ क्वाइन अनलिमिटेड भी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वाइन लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं। वो जिस टाइम क्रिएट होते हैं, जो ओनर उनको क्रिएट करता है, वो पहले डिसाइड करता है कि पूरे ग्लोबली ये इतना ही क्वाइन होगा, ठीक है। तो मान लो कि वो क्वाइन 10,000 क्वांटिटी है उसका मात्र, ठीक, और 10,000 लोग, हर लोग एक एक रुपए में वो क्वाइन को ले लिए। तो अब वो क्वाइन तो बचा नहीं, क्योंकि अब सारे क्वाइन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, हर लोग के पास है, मतलब 10,000 लोग के पास एक एक क्वाइन है, टोटल 10,000 क्वाइन हो गए, ठीक है। अब अगर किसी को क्वाइन वो खरीदना है, तो वो किससे खरीदेगा? हम 10,000 लोग जो खरीदे हैं, उन्हीं में से किसी से खरीदेगा। लेकिन अगर मान लो कि वो जो 10,000 लोग हैं, वो बोलते हैं कि हम ये क्वाइन बेचेंगे ही नहीं, या फिर हम बोले, अगर उसमें से कुछ लोग बोला कि हम बेचेंगे नहीं, और कुछ लोग बोला नहीं अब हम 2 रुपए में बेचेंगे, तो अब मजबूरी जो नए लोग आ रहे होंगे, उनको वो 2 रुपए में खरीदना होगा। तो ये यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई वाला चीज है। अगर किसी क्वाइन का डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम है, और ऑलरेडी लोग उसको बेचना नहीं चाह रहे हैं, या फिर ज्यादा प्राइस में बेचना चाह रहे हैं, तो क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और अगर उसका प्राइस बहुत कम हो जा रहा है या डिप जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका क्या कहते हैं, डिमांड उतना घट चुका है, या फिर लोग उसको नहीं रखना चाह रहे अपने पास, बेचना चाह रहे हैं, और खरीदने की जो कैपेसिटी वो कम होते जा रही है, इसलिए उसका प्राइस गिरते चला जाता है। मान लो अब अगर वही 10,000 लोग 1-1 रुपया में खरीद लिए, अब लेने वाला कोई है ही नहीं, जब लेने वाला कोई है ही नहीं, तो वो बेचेंगे किसको? और इवेंचुअली हम लोग को तो पैसा चाहिए ना, क्योंकि हम लोग वो क्वाइन को बेसिकली लेके तो कुछ कर नहीं सकते। हम बेसिकली बहुत सारा क्वाइन का यूज केसेस होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारा यूज केसेस तुम यूज ही कर लो। तो बेसिकली हम लोग क्वाइन खरीदते भी इसलिए हैं ताकि हम लोग उसको बाद में बेच के पैसा अर्न कर सकें, या फिर एसेट एसेट हम लोग जमीन क्यों खरीदते हैं, या फिर हम लोग कोई भी एसेट क्यों रखते हैं, गोल्ड क्यों खरीदते हैं? गोल्ड तुमको ना खाने को मिलेगा ना कुछ भी मिलेगा, फिर भी खरीद कर रखते हैं ना वो लोग। इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसको बाद में बेच के हम लोग हार्ड मनी यूज कर सके, और उससे हम लोग जो भी चीज खरीदने का खरीद सके। तो क्वाइन अगर 10,000 जो लोग 1-1 रुपया में खरीद लिया, अब उसको कोई लेने वाला ही नहीं होगा, तो वो 10,000 लोग सोचेंगे बे फालतू क्वाइन है, चलो इसको 2.5 रुपीज में भेज देते हैं, ठीक है। और 0.5 रुपीज जब उस कोई भी एक आदमी दाम लगाया, तो कोई अगर एक आदमी खरीद लिया, तो उसका प्राइस घट के 0.5 रुपीज हो गया। तो ऐसे क्रिप्टो करेंसी का प्राइस ऊपर नीचे और वैल्यू डिसाइड होता है। समझ में आया मीशा? अगर इस पे कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इफ एड्रेस पता होता है ट्रांजेक्शन का, देन डार्क साइड को जो यूज करते उसे कैच कर सकते हैं। देखो, एड्रेस पता है मतलब कि तुम्हारा घर का एड्रेस, या फिर बिटकॉइन का जो वॉलेट का एड्रेस वो पता है, लेकिन एड्रेस पे हम घुस नहीं सकते, है ना। मतलब कि एड्रेस पता है, आप जैसे मान लो घर का एड्रेस पता है, तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे घर का चाबी भी पता हो, या फिर वो घर के अंदर घुस गया। तो सिर्फ एड्रेस पता होने से ये पता चल सकता है कि ये एड्रेस पे इतना का ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब ट्रांजेक्शन लेजर में वो दिख जाता है कि इस एड्रेस ने इतना रिसीव किया या इतना भेजा। लेकिन हम लोग ये नहीं जान सकते कि वो एड्रेस किसका है, वो कहाँ से एक्सेसेबल है, बस हम लोग को पता है कि अच्छा ऐसा कोई एड्रेस है, ठीक है। तो डार्क साइड वगैरह पे हम लोग ऐसे उसको नहीं कैच वगैरह कर सकते हैं, वो फुल्ली इनक्रिप्टेड सेफ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में फुल्ली लीगल है क्या क्रिप्टो? देखो, फुल्ली लीगल अभी सिर्फ एक स्टेट में है, एक कंट्री में बेसिकली है, वो है एल सेल्वाडोर, और उसमें भी क्रिप्टो लीगल नहीं है, वहां पे लीगल है बिटकॉइन। और बिटकॉइन जैसे एन नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, सिर्फ बिटकॉइन ही है क्रिप्टो करेंसी नहीं है, उसके ऐसा बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी है। तो बिटकॉइन सिर्फ लीगल है, वो भी एल सेल्वाडोर में है, एल सेल्वाडोर एक कंट्री है, और जिम्बाब्वे में नेक्स्ट शायद बिटकॉइन लीगल होने वाला है। इंडिया में अभी लीगल नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे तो इलीगल भी नहीं है,
क्योंकि अब आने वाले टाइम में ऐसा न्यूज आ रहा है कि इंडिया बहुत जल्द इसको रेगुलेट कर सकती है, और रेगुलेट कैसे कर सकती है, जैसे अगर कोई शेयर या स्टॉक मार्केट इसमें से कोई करता होगा या जानता होगा, उसको पता होगा, शेयर स्टॉक्स के अलावा एक कॉमोडिटीज भी सेक्शन होती है, कॉमोडिटीज, उसमें गोल्ड और सिल्वर का ट्रेडिंग होता है, गोल्ड खरीद के सिल्वर खरीद के, तो उस सेक्शन में क्रिप्टो करेंसी को डाला जाएगा इंडिया में, और जो लोग उस पर ट्रेडिंग करेगा उसमें उसको इनकम टैक्स भी लगेगा। तो ये सारा रेगुलेशन आने वाला है इंडिया में, तो इंडिया में लीगल अभी तक नहीं है लेकिन होने वाला है, और इलीगल तो कभी नहीं है, तो तुम लोग टेंशन मत लो, ये सारा ऑब्वियसली कुछ दिन में ये सब रेगुलेशन हो जाएगा। हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में है अभी, ठीक है। सर वाई क्रिप्टो करेंसी, बेनिफिट गेन सर, किसी कॉइन का डिमांड बढ़ेगा क्यों? देखो डिमांड बढ़ेगा क्यों, ये तो अभी हम बता दिया ना, हमारे डेली में इशेंशियल है क्या, डेली में इशेंशियल इसलिए है कि अब देखो तुम लोग बोलोगे कि जमीन क्यों खरीदते हैं हम लोग या फिर गोल्ड क्यों खरीदते, सेम उसी तरह क्रिप्टो करेंसी क्यों खरीदते हैं, सेम आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। हम लोग अपना एसेट बढ़ा रहे हैं, यहाँ फिजिकल एसेट बढ़ा रहे हैं, वहां पे डिजिटल एसेट बढ़ा रहे हैं, और जब उसका दाम बढ़ जाएगा तो हम लोग उसको सेल करके हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ये बेनिफिट और गेन हो गया, और इसलिए क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी ही क्यों, क्रिप्टो करेंसी इसलिए क्योंकि अभी आने वाला फ्यूचर ना क्रिप्टो करेंसी में है। शेयर स्टॉक मार्केट से तो हम लोग ट्रेडिंग करते ही है, लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी अभी अर्ली स्टेज में है, तो बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतना ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई उतना ही है और डिमांड बढ़ रहा है, ठीक। जब डिमांड बढ़ेगा तो बेनिफिट्स होगा ही, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारा कॉइन है, टोटल हम बताए तो 6,000, 5,000, 7,000, 10,000 कॉइन से भी ऊपर होंगे, लेकिन सारे कॉइन अच्छे नहीं होते, वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, कौन का किसका बेनिफिट है, किसका वैल्यू है, वो सब हम बताएंगे। तो हर कॉइन सारा जरूरी नहीं है कि बढ़ जाए, बहुत गिरते भी हैं, और इसलिए इसको बोला जाता है बहुत रिस्की और वोलाटाइल मार्केट है, और कुछ लोग तो इसको गैमलिंग भी समझते हैं, बट ये गैमलिंग नहीं है, ये एक प्रॉपर एक ट्रेडिंग चीज है या फिर एक एसेट है, तो ये गैमलिंग वैसा इसमें कुछ नहीं है। ब्लॉकचेन से डेवलपमेंट भी करते हैं और क्रिप्टो करेंसी भी, ब्लॉकचेन से डेवलपमेंट भी करते हैं और क्रिप्टो करेंसी भी कैसे? अदिति क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, एक बार फिर से बोलना क्या बोलना चाह रही हो। सर हम बोलना चाहते हैं कि मतलब ब्लॉकचेन से हम लोग डेवलपमेंट भी करते हैं, जैसे ऐप वगैरह बनाया जाता है या टेक्नोलॉजी से वोटिंग वगैरह बनाते हैं ना, हाँ वो करके वही सेम प्रोसेस। देखो क्रिप्टो करेंसी से, ब्लॉकचेन से क्रिप्टो करेंसी को बना नहीं, वैसे भी क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजेक्शन लेजर है वो ब्लॉकचेन के हेल्प से हम लोग स्टोर करते हैं रिकॉर्ड्स और ब्लॉक्स के हेल्प में, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन उसका यूज कर रहे हैं, जैसे क्रिप्टोग्राफी का भी यूज किया ना क्रिप्टो करेंसी में, क्यों एनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो ब्लॉकचेन का भी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके उसके जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको उसके ब्लॉक्स में लेजर के फॉर्म में स्टोर करने, बस इतना ही काम रहता है ब्लॉकचेन का, समझ में। और हम लोग भेजने और लेने के यूज में ब्लॉकचेन एड्रेस का यूज करते हैं बेसिकली। इफ सर क्रिप्टो करेंसी अनलिमिटेड हो तो कैसे वैल्यू डिसाइड करेंगे? क्रिप्टो करेंसी सारा सारा क्रिप्टो करेंसी अनलिमिटेड नहीं है, कुछ कुछ है, तो उसका वैल्यू डिसाइड ऐसे होता है ना कि कुछ लॉक्ड होते हैं और कुछ धीरे धीरे अनलॉक्ड होते हैं, मतलब मान लो इतना अमाउंट ऑफ लॉक्ड है और इतना अमाउंट अनलॉक्ड है, तो जितना लॉक्ड है उतना पहले सप्लाई हुआ, फिर उस पे जो डिमांड आया उस पे जो प्राइस हुआ उतना हुआ, और फिर जैसे सब अनलॉकिंग स्टार्ट हुआ तो नए क्वाइंस आते गए मार्केट में, फिर प्राइस घटता बढ़ता गया। तो बेसिकली जितने भी अनलिमिटेड करेंसी होते हैं उनका कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, ना तो ज्यादा बढ़ता है ना तो घटता है। उसमें से एक यूएसडीटी टेदर क्वाइन है जो कि बनाया ही गया है स्टेबल होने के लिए, वो उसका वैल्यू जो होता है $1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो वो अनलिमिटेड सप्लाई में, और वो जनरली गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे इंस्टीट्यूशन जो बनाया है उसको, वो उसको रेगुलेट करती है कि उसका प्राइस जो है हमेशा $1 के इक्वल हो। तो कुछ कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसी भी हैं जो ऐसे होते हैं, और उनको बोलोगे कि स्टेबल ही क्यों बनाना है उसको, देखो स्टेबल इसलिए बनाना है कि अब मान लो कि हम लोग एक कॉइन को दूसरे कॉइन में एक्सचेंज करेंगे, मतलब मान लो मेरे पास अगर एक कॉइन है उसको हम दूसरा कॉइन उसे खरीदना चाहते हैं, तो किसी एक कॉइन ऐसा होना चाहिए ना जो स्टेबल हो, जिसका भी प्राइस ऊपर नीचे ज्यादा ना हो, तभी तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका प्राइस उसके रेस्पेक्ट में क्या है। तो इसीलिए ऐसा बहुत सारा करेंसी होता है जो अनलिमिटेड भी होता है और उसका प्राइस स्टेबल होता है, ताकि हम लोग अंदाजा लगा सके अच्छा इसके रिस्पेक्ट में इसका प्राइस इतना, नहीं तो अगर सारा करेंसी ऊपर नीचे होता रहेगा तो हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कौन कितना बढ़ रहा है घट रहा है फिर कैसे। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं सर। क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदे बताएंगे अभी, क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदे लास्ट में, और ये चैट है, ठीक है। तो इतना सारा तो सेक्शन अभी इनिशियल लिए हैं, और किसी को कुछ डाउट्स है या अभी तक में जितना हम बोले इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया, और तुम लोग बोलो यार बात करो क्योंकि इंटरेक्शन होगा तभी मजा आएगा। सर एक अभी तो क्वेश्चन, स्टार्ट।
हाँ बोलो आगे। जैसे कि ये गोल्ड है ना, अगर गोल्ड का हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे लग्जरी में ये सब यूज करते हैं, अगर मानो गोल्ड का कोई अल्टरनेट आ गया, ठीक है, कि गोल्ड का कोई यूज ही नहीं रहा हम लोग को, ठीक है, या फिर जैसे कि अल्मोनियम याद है ना, मीन्स कि शुरू में बहुत मीन्स उसका वैल्यू हाई था, समझ बट गए, तुम्हारा उसका क्वेश्चन समझ रहा है, आगे बोलो। अच्छा हाँ ठीक है, तो मीन्स क्या, तो हम लोग फिर गोल्ड का प्राइस हाई या लो कैसे डिसाइड होगा, उसका तो यूज ही नहीं देखो रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हो तुम। अगर गोल्ड का वैल्यू खत्म हो जाए, मतलब जैसे अभी हम लोग ज्वेलरी वगैरह हम यूज करते हैं, जैसा आदित्य बोलना चाह रहा था, तो हम लोग उसका वैल्यू, उसका समझ में आ रहा है कि इसका वैल्यू। लेकिन अगर मान लो ज्वेलरी में हम लोग उसका कुछ सब्स्टिट्यूट आ गया, या फिर कुछ भी आ गया, या फिर ऐसा एक मतलब ट्रेंड चला गया, ट्रेंड चल रहा है कि गोल्ड का कोई वैल्यू नहीं, इसको नहीं खरीदो, बेकार है चाहे कुछ भी, या फिर वो उसके रिएक्शन से, या फिर कुछ भी ऐसा गैस रिलीज करता है वो जो बहुत हानिकारक होता है, कुछ भी ऐसा निकल गया, अफवाह कुछ भी बोल लो, जिससे गोल्ड कोई छूना भी नहीं चाह रहा, घर में रखना भी नहीं चाह रहा, मतलब एकदम वैल्यू जीरो हो गया, तो जितना भी गोल्ड का प्राइस है ना, वो एकदम नेग्लिजेबल हो जाएगा, क्योंकि इस सब का प्राइस हम लोग ही बढ़ाते हैं, गोल्ड का सिल्वर का। हम लोग जितना डिमांड करते हैं इंक्रीज, उतना ज्यादा खरीदने वाला या बेचने वाला भी बढ़ा के बेचता है। सेम वहां क्रिप्टो करेंसी भी, अगर किसी क्वाइन का डिमांड बढ़ रहा है, वो इस तब तक ही बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लेने वाले लोग ज्यादा आ रहे हैं। जिस दिन लेने वाले लोग रुक गए, नहीं आ रहे, या फिर वो समझ गए कि ये करेंसी बेकार है, फालतू है, तो उस दिन उसका प्राइस जीरो भी हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, आज के डेट में भी बहुत सारे कॉइन लॉन्च होते हैं और लॉन्च के साथ बढ़ते हैं और फिर जीरो भी हो जाते हैं। लेकिन यही समझना है इस मार्केट में कि कौन सा कॉइन चूज करें, किसमें इन्वेस्ट करें, कहाँ लॉस ना करे, कौन सा किसका क्या वैल्यू है, किसको किस कॉइन का अपना यूज केस है, कौन कॉइन क्या कर सकता है, तो पोटेंशियल क्या है, बहुत सारा चीज हम लोग को जानना है, तभी हम लोग एक अच्छा इन्वेस्टमेंट या फिर एक अच्छा नॉलेज समझ सकते हैं पूरे मार्केट से। नहीं तो हम लोग आएंगे, पैसा डालेंगे, डूब भी सकता है, और बहुत इसलिए ज्यादा रिस्की और वोलेटाइल मार्केट है ये। सेम शेयर और स्टॉक की तरह भी है। जैसे मान लो कोई नई कंपनी आई, उसका स्टॉक आया, अब कल के डेट में कंपनी वो बंद हो गई, तो उसका स्टॉक का रेट तो जीरो हो जाएगा, तो वही चीज है। सेम गोल्ड का भी है, गोल्ड का अगर हम लोग हटा दिए वैल्यू, मतलब वैल्यू नहीं दे रहे गोल्ड को, तो उसका भी प्राइस गिर जाएगा। लेकिन ये सब एक मास स्केल पे होना चाहिए, ये नहीं कि हम तुम सिर्फ बायकॉट करें गोल्ड को तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, नहीं, पूरा एक नेशन ग्लोबली पूरा डिक्रीज होना चाहिए, तब जाके होगा, मतलब एक अच्छे खासे मास स्केल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का कुछ भी? हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि जैसे कि बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन पर सेकंड बहुत कम है, लाइक 7 के अराउंड है, तो मीन्स हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मीन्स इसी के साथ एक और बात करना चाह रहे हैं कि इथेरियम जो था उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है और लाइक 11% के आसपास ना बचा हुआ है कि उतना ही वॉल्यूम में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और इथेरियम का बहुत अल्टरनेट सब भी है कि वो उससे ज्यादा फास्ट है, उससे कम चीप है, मीन्स उससे चीपर भी है, ठीक है, तो फिर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में मीन्स 1 साल बाद मानो कि जो 11% है ना वो भी यूज हो जाए, तो उस समय तो प्राइस हाइक करेगा, बट फिर उसके बाद क्या वो मीन्स होता है ना कि एकदम स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद उसमें ट्रेड ही नहीं होगा क्या, ऐसा क्या? नहीं देखो, ऐसा नहीं होगा। और ये तुम हम थोड़ा क्लियर कर रहे हो तुम्हारे क्वेश्चन को अच्छे से। तुम बेसिकली बोल रहे हो कि जो वॉल्यूम बोल रहे हो ना, कि हम जैसा बताया थे कि हर करेंसी माइनेबल होता है नहीं होता है, तो जो जो करेंसी माइनेबल है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, उसका एक कैपेसिटी है। मान लो कि 50 बिलियन बिटकॉइन है, जिसमें से 40 बिटकॉइन, सॉरी 40 बिलियन बिटकॉइन अवेलेबल है मार्केट में, और 10 बिलियन बिटकॉइन माइनिंग के लिए रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा, जैसे जैसे माइनिंग होगा वैसे वैसे दिया जाएगा। तो आने वाले 1 साल में ऐसा है कि वो 10 बिलियन भी सबको मिल जाएगा, तो टोटल 50 बिलियन पूरे मार्केट में आ जाएंगे बिटकॉइन, तो उसके बाद तो माइन करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। सेम उसी तरह इथेरियम या हर केस में होगा, तब क्या होगा, या फिर इसको कैसे, या फिर जैसा ये बोला कि ट्रेडिंग नहीं होगा, स्टेबल हो जाएगा, तो स्टेबल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिंग तो होगा ही, ऑब्वियसली ट्रेडिंग रुकेगा ही, क्योंकि इतना वॉल्यूम लग चुका है, इतना पैसा लग चुका है उसमें, और एक अच्छा खासा हम बताएं, अभी अगर तुमको कंपेयर करें हम बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है ना, मार्केट कैप किसको बोलते हैं, मार्केट कैप बोलते हैं कितना रेट चल रहा है एक बिटकॉइन का, उतना इनटू कितना बिटकॉइन अवेलेबल है मार्केट में, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो उसको मार्केट कैप बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर एक बिटकॉइन का रेट अभी के हिसाब से $65,000 चल रहा है, लगभग 53 लाख रुपए एक कॉइन का वैल्यू, और अगर 50 बिलियन बिटकॉइन है, तो 50 बिलियन इंटू 53 लाख, इतना मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप हो जाएगा। तो इसका जो मार्केट कैप है बिटकॉइन का, वो सिल्वर के रेस्पेक्ट में मात्र 10% ही कम है। मतलब आने वाले कुछ टाइम में, कुछ महीनों में ही बोल लो, 1 महीने के अंदर वो सिल्वर को भी ऊपर छोड़ सकता है।
तो जब किसी भी क्वाइन या फिर किसी भी एसेट का इतना ज्यादा डिमांड है और इतना ज्यादा उसका मार्केट कैप जा रहा है ना, तो उसमें कभी भी ट्रेडिंग बंद नहीं होगी। अब बोलोगे कि गोल्ड में ट्रेडिंग बंद हो गई है क्या आज? नहीं, गोल्ड लेकिन ऑलमोस्ट बहुत स्टेबल हो गया, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, मतलब महीने में 1% 2% ऐसे ऊपर नीचे हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ही ये सब में भी हो जाएगा एक टाइम पे, लेकिन अभी उस टाइम में भी बहुत टाइम है, 10-15 साल है ऐसे मान लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा, ट्रेडिंग तो तब भी होगी, बस यही है कि उस टाइम प्रॉफिट या फिर उतना ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। समझ में आदित्य? हाँ सर, समझ में तो आया, बट मैं बस यही कहना था कि अगर हमको कोई दूसरा मिल रहा है, जैसे कि सोलाना ले लो या फिर कोई भी, इसका अल्टरनेट तो बहुत सारा आ गया है जो फास्टर भी है चीपर भी है, तो हम फिर क्यों बिटकॉइन में जाएंगे? या फिर जस्ट मार्केट का साइकोलॉजी है कि बिटकॉइन में लगाओ भाई बढ़ेगा ही, ऐसे टाइप है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम अगर बताएं तो आज के डेट में बिटकॉइन के अलावा जितने ऑल्ट कॉइन किसको बोलते हैं, ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, ठीक है? तो बिटकॉइन के अलावा जितने भी क्रिप्टो कॉइन है ना, उसको ऑल्ट कॉइन बोलते हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिव कॉइन है वो। तो जितने ऑल्ट कॉइन है ना एक्सेप्ट बिटकॉइन, वो ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं आज के डेट में। उसका रीजन ये है कि बिटकॉइन ऑलरेडी इतना ज्यादा ऊपर है, तो वो ऐसा नहीं कि बिटकॉइन गिरेगा या फिर ऐसा नहीं है, वो हल्का बहुत बढ़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ने वाले हैं अभी जितने नए लॉन्च, जैसे अभी ये बोला सोलाना, कार्डानो है, डॉट है, तो ये सारे जो कॉइन है आने वाले टाइम में ज्यादा ग्रोथ दिखाएंगे, ज्यादा बढ़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो फी उनका कम लगता है, चीपर है। हम जैसा नेटवर्क्स का बात किए थे, कुरियर बॉय का एग्जाम्पल देखें तो वैसे ही, तो ऑब्वियस ये बात तो ऑब्वियस है कि वो लोग ज्यादा बढ़ेंगे कंपेयर टू बिटकॉइन, बट हाँ बिटकॉइन में भी ट्रेडिंग होगा। और जैसा तुम हाइप का बात कर रहे हो, तो बिटकॉइन का हाइप इसलिए है क्योंकि बहुत लोग तो क्रिप्टो करेंसी जाने ही है बिटकॉइन के कारण, ठीक है? तो बिटकॉइन का हाइप रहेगा ही, और हाइप है भी इसी कारण वो लोग उसमें इन्वेस्ट करने बोलते हैं। और बिटकॉइन सेफ है, हम बोले तो क्रिप्टो करेंसी में सबसे सेफेस्ट कॉइन कौन है, तो बिटकॉइन है। क्योंकि बिटकॉइन अगर गिरा तो ऑल्ट कॉइन, मतलब उसका अगर वैल्यू गिरता है बिटकॉइन का, तो ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा गिर जाएंगे नीचे, लेकिन बिटकॉइन सबसे कम गिरेगा। तो लीस्ट रिस्क बिटकॉइन में है, लेकिन लीस्ट गेन भी बिटकॉइन में है, मतलब स्टेबल टाइप का वो। अभी अभी थोड़ा बहुत स्टेबल है, लेकिन अभी 10-15 साल लगेगा, अभी तो और बढ़ेगा। अभी जैसे 53 लाख हम बताएं एक कॉइन का वैल्यू, आने वाले टाइम में मेरा प्रिडिक्शन है कि वो 1 करोड़ के पास जा सकता है। नेक्स्ट, आदित्य समझ में आओ? यस सर। और तुम लोग भी कुछ बोलो, बहुत लोग शांत हैं। अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम अच्छे से समझा सकते हैं कुछ सिंपल। ये बताइए ना, खरीदेंगे कैसे? हाँ, खरीदेंगे कैसे ये बताने वाले थे, ठीक है? तो हम एक लिंक दे रहे हैं, ग्रुप में भी भेज देंगे। और खरीदते कैसे पहले ये एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत सारा एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज का मतलब ये है जहां हम जाके कुछ एक्सचेंज करें, ठीक है? आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, ठीक है? तो बहुत सारे यहाँ पे एक्सचेंज है, मतलब एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग जाके एक्सचेंज कर सकते हैं अपने पैसे को क्वाइंस में, क्वाइंस को पैसे में। तो वहां पे जाके हम लोग करेंसी को खरीद सकते हैं। देखो, बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया वॉजिरेक्स है, इसलिए हम लोग तुम लोग को स्टार्टिंग वॉजिरेक्स से करवाएं। और हाँ, हम एक वॉजिरेक्स वॉरियर प्रोग्राम में भी है, मतलब वॉजिरेक्स का वो अपना ऑफिशियल प्रोग्राम है, तो हमको बेटर सपोर्ट वगैरह और बहुत सारे चीज मिलता है, तो तुम लोग को उसके लिए टेंशन नहीं है। और भी बहुत सारे इंडिया का एक्सचेंज है, बट हम सबका बात नहीं करेंगे। जैसे क्वाइन डीसीएक्स बोला था, वो भी है, ये इंडियन एक्सचेंज है। अब इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज भी होते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज भी, क्योंकि ये ग्लोबली है ना, तो हर जगह पे एक्सचेंज होते हैं, हर एक कंट्री के एक्सचेंज होते हैं। तो वहां पे जाके हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्वाइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और हर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का अपना एक अलग इंटरफेस होता है, अलग एक अपना स्ट्रैटेजी हुआ, किसी का ट्रेडिंग फी ज्यादा होता है, कम होता है, तो वो सब थोड़ा बहुत चीज डिफरेंस करती है, लेकिन मेन जो कोर कंसेप्ट है वो सेम ही रहता है सारे एक्सचेंज। समझ में आया? तो कैसे खरीदेंगे, तो हम एक लिंक भेज देंगे तुमको, वहां से तुम खरीद सकते हो। और एक मेरा पर्सनल ग्रुप भी है जहाँ वो एडमिन वाली मोड पे है, हम वो तुमको भेज देंगे इस ग्रुप में, वहां तुम लोग ज्वाइन हो सकते हो। वहां बेसिकली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम चीज बताते हैं, और ये जो ग्रुप है यहाँ पे बेसिकली एजुकेशन और लर्निंग के लिए हम बता रहे हैं, यहाँ मीट सेशन लेके, तो वो ग्रुप भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे बताते रहेंगे कैसे किसमें इन्वेस्ट करना है, और जहाँ इशू हो तुम लोग ग्रुप में भी कभी भी डाउट पूछ सकते हो, ग्रुप में भी आंसर कर सकते हो, ठीक है? तो हम वो मीट खत्म होगा ना, उससे पहले तुमको एक लिंक चला जाएगा, उस पर क्लिक करना, साइन अप करना है तुमको उसमें, बेसिकली जैसे ईमेल आईडी वगैरह से साइन अप कर लो, फोन नंबर से। और साइन अप करने के बाद तुमको वहां एक छोटा सा केवाईसी करना होगा। केवाईसी करने के लिए तुमको आधार, पैन और बैंक अकाउंट की जरूरत होगा, वो सब तुम अपलोड करोगे उस साइट पे, तो केवाईसी डन हो जाएगा। क्योंकि केवाईसी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि तुम कुछ फेक चीज नहीं कर रहे हो वहां पे जाके, तो केवाईसी करना इम्पोर्टेंट है। केवाईसी के बाद
जब वो कर लोगे तब हम बताएंगे कि कैसे किस क्वाइन में इन्वेस्ट करते हैं, कैसे पैसा ऐड करते हैं। तुम बहुत इजी यूपीआई मेथड, मोवी क्विक का तुम नाम जानते होगे, मोवी क्विक डिजिटल वॉलेट है, उसके थ्रू भी ऐड कर सकते हो उसमें पैसा, उसके वॉलेट में ऐड करके फिर वहां उसमें डाल लो, और पैसा डालने के बाद तुम वहां अलग अलग क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। एक और चीज, एक्सचेंज जो होता है वहां पे तुम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ओन नहीं कर रहे होते हो, तुम बस एक्सचेंज पे अपना क्वाइन डाले और वहां एक्सचेंज किए। तुम जब ओन तब करोगे किसी क्वाइन को जब उस क्वाइन का प्राइवेट की या प्राइवेट एड्रेस तुम्हारे पास होगा, ठीक है। अब ये प्राइवेट की क्या होता है, तो अब हम बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक कट्ठा जमीन है, तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि एक कट्ठा जमीन है? तुम बोलते हो ना कि सर मेरे पास वो कॉपी है, रजिस्टर्ड कॉपी है, ये है, तो वो जो चीज है वो तुमको बताता है कि ये तुम्हारा ओनरशिप है, तुम ओन करते हो इस एसेट को। तो अगर हम क्वाइन के पास वैसा कुछ प्राइवेट की नहीं रखेंगे या नहीं होगा हमारे पास, तो हम कैसे बोल सकते हैं वो ओन करते हैं? तो उसके लिए होता है हार्डवेयर वॉलेट और सॉफ्टवेयर वॉलेट, ठीक है। हार्डवेयर वॉलेट क्या है, एक तरह से पेनड्राइव जैसा चीज होता है, वहां पे हम लोग अपना क्वाइन स्टोर करते हैं और वो एक की देता है तुमको, ठीक है। और वो जो की हुआ वही तुम्हारा वो हो गया, रजिस्टर्ड जो पेपर होता है जमीन का वो तुम्हारा वो हो गया, और तुम बोल सकते हो कि इतना क्वाइन हम ओन करते हैं। लेकिन एक्सचेंज पे जो तुम क्वाइन रखते हो उसका तुमको कोई की नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे तुम आए हो इसलिए बस तुम एक्सचेंज करो फिर वापस से तुम अपने वॉलेट में रख लो स्टोर। वो सॉफ्टवेयर वॉलेट में भी एप्स वगैरह जैसे एक ट्रस्ट वॉलेट है वहां भी रख सकते हो, और हार्डवेयर एक पेनड्राइव जैसा चीज भी रख सकते हो। पेनड्राइव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब एक बार यूज किए डिस्कनेक्ट कर लिए अपने पास रख लिए तो हमेशा सेफ रहेगा, हैकर कभी भी वहां तक नहीं जा सकते। हैकर वही चीज एक्सेस कर सकता है ना जो इंटरनेट से कनेक्ट है, तुम पेनड्राइव डिस्कनेक्ट करके रख लोगे तो वो तो वहां तक नहीं जाएगा। तो एकदम सेफेस्ट ऑप्शन है हार्डवेयर वॉलेट, लेकिन सॉफ्टवेयर वॉलेट भी बहुत हद तक अब सिक्योर है, सॉफ्टवेयर वॉलेट में भी तुम रख सकते हो। एक्सचेंज पे तब तक रख सकते हो जब तक तुमको एक्सचेंज करना हो, ट्रेडिंग करना हो, जैसे वो तुम कंप्लीट कर लिए फिर वापस से वहां रख सकते हो, ठीक है। पेनड्राइव खो सकता है, हाँ देखो अगर पेनड्राइव खोएगा तो बहुत दिक्कत है, फिर वो रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पेनड्राइव को संभाल के रखो, हाँ लेकिन उसका एक कॉपी वगैरह तुम ऐसा, उसका रिकवरी का एक आता है ऑप्शन कि कॉपी वगैरह तुम उसका बना सकते हो सॉफ्टवेयर में और स्टोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सारा एक डिजिटल चीज है ना, जैसे फाइल कॉपी करके हम लोग अलग अलग बैकअप्स बनाते हैं तो वैसे वो बनता है, लेकिन हाँ पेन ड्राइव इंपॉर्टेंट है, खोना नहीं चाहिए। अगर खोए तो मुश्किल होगा, और अगर तुम बैकअप बनाए हुए होगे तभी तुम पॉसिबल है कि रिकवर कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारा क्रिप्टो करेंसी लॉस हो सकता है। और किसी का, हाँ माइनिंग कैसे कर सकते हैं राकेश कुमार? देखो माइनिंग के लिए तुमको पूरा एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, देखो सेटअप नहीं, माइनिंग तुम वैसे फोन और लैपटॉप पे भी कर सकते हो, लेकिन वो करके क्या ही करोगे जब तुम मान लो कि दिन भर तुम्हारा लैपटॉप ऑन है और माइनिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है तुम्हारे लैपटॉप में, जिसके जरिए माइनिंग क्या होगा, हम बताए थे ना कि ब्लॉकचेन का ट्रांजेक्शन वेरीफाई और कंफर्म करना। अगर तुम कंफर्म कर रहे हो, मान लो एक दिन में तुम 10,000 ट्रांजेक्शन कंफर्म, पहला बात तो लैपटॉप तुम्हारा उतना फास्ट नहीं होता है हम लोग का लैपटॉप जो एक दिन में इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन भी कंफर्म करे, ठीक है। तो कुछ अगर ट्रांजेक्शन तुम कर रहा है या बहुत कम ट्रांजेक्शन हम लोग कर पा रहे होंगे लैपटॉप या फोन के मदद से, तो उस पे बहुत कम वैल्यू ऑफ प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बहुत कम 0.000 करके तुमको बिटकॉइन या इथेरियम टोकन मिलेगा, जिसका वैल्यू महज इंडियन रुपीज में एक दिन का 10 या 20 रुपया भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। तुम सोचोगे कि हम लैपटॉप दिन भर 10 घंटा चालू किए हुए और हमको मान लो 20-30 रुपया मिल रहा है, तो कोई माइनिंग क्यों करेगा? तो माइनिंग कोई इसलिए करता है ना, पहले वो प्रॉपर सेटअप लगाता है, और वो सेटअप में मान लो जीपीयू वगैरह ग्राफिक्स जो होता है, ग्राफिक्स कार्ड यूज करता है जनरली, और 10 ग्राफिक्स कार्ड 20 ग्राफिक्स कार्ड का एकदम पावरफुल कंप्यूटर बनाया, पावर कंप्यूटर नहीं होता उसको रिग बोलते हैं, माइनिंग रिग, ठीक है, वो बनाया और तब उससे माइनिंग करता है, तो उससे प्रॉफिट अच्छा होता है कि एक दिन में तुम्हारा आराम से 10,000-5,000 ऐसे हजारों में मिलता है रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो उससे, लेकिन वो बनाने में ही सेटअप तुमको लाखों में लग जाएगा पैसा, 10 लाख से कम नहीं लगेगा वो पैसा सेटअप बनाने में। तो ये लोग बड़े बड़े लोग करते हैं बेसिकली, हम लोग इस पे नहीं जाएंगे ज्यादा डेप्थ में कि माइनिंग करते कैसे हैं, बस हम तुमको आइडिया दिए कि माइनिंग ऐसे होता है। पैरेलल कंप्यूटिंग सर गौतम सर, गोल्ड तो बहुत जगह कन्वर्टेबल है इसलिए उसका डिमांड क्यों है ये समझ आता है, क्रिप्टो से भी डायरेक्ट कुछ परचेस कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिस या यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गौतम। देखो गोल्ड का समझ में आता है कैसे, क्रिप्टो का फ्यूचर क्या, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, हम ही बोल रहे हैं, मेरे मुझे सुनोगे क्रिप्टो इज फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, क्यों है ये फ्यूचर? ये अच्छा क्वेश्चन था, हम भूल गए थे ये चीज एक्सप्लेन कर। तो देखो क्रिप्टो फ्यूचर इसलिए है कि आज के टाइम में तुम अगर एसेट बोल रहे हो, मेरे पास एक बीघा जमीन है, मेरे पास ये है वो है, तुम ऐसे बोल सकते हो, लेकिन अभी तुम देख रहे हो इतना पॉपुलेशन हो गया है, जमीन ऑलरेडी रेट इसका बहुत हाई हो चुका है, रेट इसलिए हाई हो चुका है क्योंकि डिमांड इतना ज्यादा, इतने ज्यादा लोग खरीदार हैं,
तो अब जमीन बचा नहीं, अब तुम बोल सकते हो दिल्ली में जाके कि मेरे पास इतना जमीन है, वहां पे उतना बोलने का मतलब कि तुम्हारे पास कितना करोड़ों का संपत्ति है। तो इतना ज्यादा रेट बढ़ चुका है कि नॉर्मल या कॉमन पीपल या एवरेज से कम जो थोड़े पॉवर्टी लाइन के पास आते हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कोई भी जमीन या कुछ भी। ठीक है, जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके पास वो एसेट ही नहीं हो, जब एसेट ही नहीं है तो कुछ नहीं। तो ऑलरेडी अब जमीन का रेट इतना हो गया है तो तुम जनरली अफोर्ड नहीं कर सकते हो, एसेट नहीं बना सकते हो। क्रिप्टो अभी नया है इस स्पेस में और एक डिजिटल एसेट तुमको देता है। तो तुम अगर आने वाले 10 साल में बोल सकते हो अरे मेरे पास 0.5 बिटकॉइन है या फिर इतना वैल्यू ऑफ डिजिटल एसेट है, तुम ऐसे बोल सकते हो और उस टाइम उसका वैल्यू कहीं ज्यादा होगा आज से। तो एक तरह से तो ये हो गया। अब तुम बोल रहे थे यूज, जैसे सामान परचेज कर सकते हैं या नहीं, तो हम बिल्कुल बोलेंगे कि क्रिप्टो के हेल्प से तुम कुछ भी परचेज कर सकते हो आने वाले टाइम में। अभी भी थोड़ा बहुत परचेज कर सकते हो, जैसे तुम गिफ्ट कार्ड वगैरह परचेज कर सकते हो फ्लिपकार्ट के अमेजोन को और फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन पे शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, सेकंड चीज तुम मोबाइल का रिचार्ज वगैरह कर सकते हो उससे, ये अभी पॉसिबल है। लेकिन आने वाले टाइम में हर एक दुकान हर एक जगह, जैसे हम लोग अभी पेटीएम पे या फिर फोनपे का QR कोड के पेमेंट करते हैं, हम लोग क्रिप्टो से पेमेंट करेंगे। इवन दिल्ली या मुंबई में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो क्रिप्टो एक्सेप्ट करता है डायरेक्ट, तुम वहां जाओ क्रिप्टो कॉइन दो और खाना खा सकते हो। तो आने वाले टाइम में हर एक जगह पे एक्सेप्ट होगा ये चीज। और ये इसलिए होगा क्योंकि देखो अब नॉर्मल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल करेंसी एक गवर्न, मतलब जो गवर्न होता है वो गवर्नमेंट करती है, जैसे INR का वैल्यू 1 रुपया ही है, वो गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, गवर्नमेंट उसका करेंसी नोट छाप रही है, कॉइन्स बना रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है लोगों में। तो वहां पे गवर्नर यहाँ गवर्न करती है, क्रिप्टो करेंसी को कोई गवर्न नहीं करता है, इसलिए उसका वैल्यू हम लोग ही बढ़ाते हैं घटाते हैं। तो अगर क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है तो इससे इवेंचुअली हम लोग को फायदा या नुकसान होता है। तो ये सारा चीज हम लोग से रिलेटेड है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी। और अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का इतना जब डिमांड होगा तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो तुम उससे कुछ भी चीज खरीद सकते हो या बेच सकते हो, उस पर किसी भी गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह ये सब नहीं लगता। हाँ, लेकिन जैसा है कि अगर तुम उससे इनकम करोगे ट्रेडिंग करके तो इनकम टैक्स लगने वाला है आने वाले कुछ टाइम में, ऐसा इंडिया बता रही है। तो पर आजकल यूट्यूब पर सिंपल लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कुछ चार ग्राफिक्स से भी पॉसिबल। देखो बताया तो कि फोन और लैपटॉप से भी कर सकते हो माइनिंग राकेश, लेकिन वो प्रॉफिटेबल उतना नहीं होगा जितना चार ग्राफिक्स कार्ड या 6 ग्राफिक्स कार्ड का हेल्प से तुम करोगे। तो चार ग्राफिक्स कार्ड जो तुम बोल रहे हो ना, चार एक एक ग्राफिक्स कार्ड पर अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लोगे तो 60,000-70,000 के आसपास से आएगा ही, जब एनवीडिया तुम 3070 ले लो 3060 ले लो ये सब। ठीक है, तो सोचो कि अगर चार भी लोगे तो ऑलमोस्ट तुम्हारा 3-4 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, और 3-4 लाख का इन्वेस्टमेंट तुमको रिटर्न लगभग 1 साल में होगा। तो तुम अगर उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रिटर्न ले सकते हो, तो ऑब्वियसली तुम माइनिंग शुरू कर सकते हो। हम नहीं करते हैं पर्सनली माइनिंग, तो हम उतना सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हाँ उसके लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए तब जाके प्रॉफिट होगा। फोन और लैपटॉप से करना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है, उससे तुम्हारा लैपटॉप भी, क्योंकि लैपटॉप बना ही नहीं है ना माइनिंग के लिए। लैपटॉप से तुम करोगे तुम रिवॉर्ड भी एक कम मिलेगा, और एक तो इतना ज्यादा CPU हीट करेगा, फैन चलेगा कि तुम्हारा लॉन्ग रन में लैपटॉप स्लो हो सकता है, खराब भी हो सकता है। क्योंकि अगर तुम ग्राफिक्स कार्ड से करोगे तो मान लो 4 में से 1 खराब हुआ तो 3 वर्किंग है, फिर उसको एक रिप्लेस करो, लैपटॉप ही खराब हो जाएगा तुम्हारा जिस तुम मेन वर्क के लिए यूज किए हो, तो फिर तुम क्या करोगे। इसलिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि माइनिंग तुम फोन या लैपटॉप पे करो, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम है वो कर दो। यानी क्रिप्टो का डिमांड तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि लोग ये कितना जगह पे एक्सेप्ट करो। ऑब्वियसली डिमांड हर चीज पे एक्सेप्ट करता है, हर एक छोटे चीज पे फैक्टर होते हैं उसके डिमांड के। तो अभी जैसे जैसे अभी हम बताएं कि फोन का रिचार्ज हो रहा है, गिफ्ट कार्ड खरीद रहे हैं हम लोग डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी से, तो अभी इतना तक हो रहा है। इसके अलावा जितना जगह वो एक्सेप्ट होगा, मान लो हर दुकान पे एक QR कोड की तरह एक ब्लॉकचेन का एड्रेस का QR कोड लग जाए और आइए मेरा इस एड्रेस पे भेजिए कॉइन और जो भी खरीदना खरीदिए, अगर ऐसा धीरे धीरे होने लगा तो सोचो कितना ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा। और ये आने वाले टाइम में होगा, ऐसा नहीं है कि हम अनरियलिस्टिक चीज बोल रहे हैं, ये आने वाले टाइम में डेफिनेटली होने वाला है। तुम कोई भी चीज खरीद सकते हो क्रिप्टो करेंसी, आपको दिखा सकते हैं कि क्रिप्टो से खरीद कर भी, हम खरीदेंगे नहीं, हम दिखा सकते कि कैसे खरीद सकते, वेट हम दिखा रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है मेरा फोन का स्क्रीन? हाँ ठीक है, ये देखो ये बाइनेंस है, एक्चुअली ये अभी फॉरेन एक्सचेंज है, यहाँ पे अभी हो रहा है ये चीज, आने वाले टाइम में इंडिया में भी होगा।
ये इसका मार्केट प्लेस है, और यहाँ पे तुम देखो क्या क्या चीज कर सकते हो। बाहर में तो होटल्स वगैरह भी तुम बुक कर सकते हो, जैसे ये मोबाइल टॉपअप दिख रहा है, यहाँ तुम जाओगे। अब यहाँ इंडिया का नंबर आ गया, अपना फोन नंबर डालो, जैसे हम अपना फोन नंबर डाल रहे हैं, कंटिन्यू किया। ये मान लो सर आपका एयरटेल का स्क्रीन जो भी प्रेजेंट कहाँ हो रहा है? हो रहा है, पिन करो तुम, नहीं दिख रहा है क्या? सर आपका स्क्रीन प्रेजेंट कहाँ हो रहा है? नहीं एक बार पिन सर, करो ना, हो रहा है सर? नहीं हो हो रहा है रहा क्या? है, हो रहा है क्या? हो रहा है सर। पिन करो प्रशांत, दिख जाएगा तुमको। दिखा? हेलो, दिख गया प्रशांत? हेलो। नो सर, नहीं 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 दिखा दिखा? सर। रुक जाओ, क्या अब हो सकता है वो दिखा? टी दिख गया सर, अब दिख दिखा? गया, ठीक दिख है चलो। गया तो सर। यहाँ पे आना है जी बाइनेंस में, सर, यहाँ पे मोबाइल टॉपअप का ऑप्शन है, फोन नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है। अब जैसे ये बोल रहा है कितना का तुमको प्लान चाहिए, तो 2 GB मान लो कर लिया। अब ये प्राइस उसको बता दिया, देखो नीचे 3.62 BUSD, BUSD एक क्रिप्टो करेंसी है, उतना हमको लगेगा तो हम ये रिचार्ज कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे अगर यहाँ पे हम लोग। तो अब ये बोलेगा आप ईमेल डालिए और वहाँ पे ट्रांजेक्शन, ये मतलब एक क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन एड्रेस देगा, और आप हमको भेजना होगा उतना, और ये फिर टॉप अप कर देगा मेरे फोन में। तो यहाँ से हम फोन टॉप अप कर सकते हैं। गिफ्ट कार्ड अब जैसे खरीदना है तो गिफ्ट कार्ड पे आए, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड लोड हो रहा है। पता नहीं शायद नेट स्लो के कारण अभी ये खुल नहीं रहा, लेकिन हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। अभी ये बहुत अर्ली स्टेज में, इसलिए सही से थोड़ा शायद मे भी फास्ट नहीं या फिर वर्क नहीं कर रहा, लेकिन ये धीरे धीरे हो रहा है। मतलब ऐसा तुम लोग कर सकते हो, देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा क्या क्या चीज हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। होटल्स वगैरह, होटल तो इंडिया में अभी अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि ये एक्सचेंज इंडियन नहीं है, ये फॉरेन एक्सचेंज है। हाँ, बाइनेंस में फंड डिपॉजिट कैसे करें सर? देखो बाइनेंस में डिपॉजिट करने के लिए ना तुम डायरेक्ट, दो ऑप्शन है, रुको हम पहले इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। हाँ, बाइनेंस में फंड डिपॉजिट करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वजीरेक्स और बाइनेंस दोनों इंटर रिलेटेड है। बेसिकली हम बोले तो बाइनेंस जो है वजीरेक्स को खरीद लिया है, तो तुम वजीरेक्स में मोबीक्विक या फिर यूपीआई के जरिए तुम डाल सकते हो फंड्स और वहां से ट्रांसफर कर सकते हो बाइनेंस में, एक ऑप्शन। दूसरा, बाइनेंस में एक P2P का नाम, एक P2P चीज होता है बाइनेंस में, इवन हर एक्सचेंज में होता है। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, तुम डायरेक्टली किसी पर्सन से खरीद रहे हो। जैसे मान लो तुम मेरे से खरीदोगे, तुम मेरे को 1 लाख रुपया बैंक में भेज दिए और 1 लाख का हम क्रिप्टो करेंसी तुमको बाइनेंस में भेज देंगे ब्लॉकचेन के जरिए, मतलब डायरेक्ट तुम्हारे एड्रेस पे। तो ऐसे खरीदोगे तो तुम बोलोगे कि अब हम लोग कहाँ खोजेंगे कि कौन ट्रस्टेड है, कोई भेजेगा कि नहीं। तो वहां पे एक ऑप्शन होता है P2P का, वहां पे सेलर और बायर जैसे OLX पे होते हैं बेचने वाले, वहां पे अपना एड शो करते रहते हैं कि हम इतना वैल्यू इतना रुपए में देंगे। तुम वहां जाओ, तुम उनसे डायरेक्टली खरीद सकते हो। तुम बोलोगे कि ट्रस्ट कैसे करेंगे उस पे, वो भेजा नहीं, हम भेज दिए पैसा। तो इसके लिए बीच में बाइनेंस मीडिएटर की तरह रोल प्ले करता है, और वो तुम वेरीफाई भी करता है कि अगर तुम भेजे हो, वो नहीं भेजा है, तो वो पहले ही उसका कॉइन लॉक करके रखा रहता है और वो तुमको दे देगा बाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं कि तुमको तुम्हारे साथ फ्रॉड हो, लेकिन हाँ उसमें एक वेरीफाई का टिक भी लगा रहता है, तो जो वेरीफाइड वहां पे होंगे उनके साथ ही ट्रांजेक्शन करो तो बेटर है। बहुत अनवेरीफाइड भी होते हैं तो उन लोगों के साथ ट्रांजेक्शन मत करना P2P में। इसलिए हम P2P तुम लोगों को अभी सजेस्ट भी नहीं किया, बताया भी नहीं P2P के बारे में। P2P अभी बंद हो जाएगा कुछ दिन बाद, क्योंकि अब डायरेक्टली हम लोग अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी खरीदेंगे बाइनेंस में। अभी फिलहाल वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में जैसे हम बताया ना कि धीरे धीरे वो आ रहा है, मतलब रेगुलेशंस वगैरह, तो वो धीरे धीरे होंगे। अभी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वहाँ एक्सेप्टेड भी नहीं है बाइनेंस, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से खरीद सकते हैं। तो समझ में आ? हेलो, और जो लोग नहीं बोले हैं उनको बोले समझ में नहीं आ रहा है? सर इसको मैं नेट सीखा कुछ कैसे गाइस, सीखा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोता नहीं, एकदम पूरा कच्चा चिपचिप टाइप। तो वो हम इसीलिए तो है, हम धीरे धीरे एक सेशन में तो हर चीज नहीं बता सकते ना, धीरे धीरे हम सेशन लेंगे इस पे और हम बताएंगे कैसे सीखा जाए, कैसे टेक्निक। तो छोटा सा एक दिखाते हैं तुमको क्या है ये।
धीरे बताएंगे हम क्या क्या सर क्रिप्टो करेंसी से कुछ इनकम के लिए मतलब उस पर टाइम सर देना होगा नहीं सर क्या क्या करना होगा सर मान लीजिए बिटकॉइन से इनकम के लिए उसको सेल बाय करना होगा हाँ ट्रेडिंग करना होगा तुमको ऑब्वियसली तभी तुम मतलब सर वहां पर जाकर टाइम देना होगा देखो टाइम भी दे सकते हो दो ऑप्शन है इंट्राडे ट्रेडिंग होता है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है तुम चाहो तो डेली ट्रेडिंग कर सकते हो डेली खरीदो और बेचो और नहीं तो एक बार एक पॉइंट पे खरीद लो और आने वाले एक दो महीना रुक जाओ आराम से अपना काम करो दो महीना बाद जब उसका प्राइस बढ़ जाए तब बेच दो दो तरीका होता है ठीक है और हम थोड़ा सा तुमको एक अभी दिखा रहे हैं अभी इससे कंफ्यूज मत होना ये सब क्या है लाइन वगैरह ये सब हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बिटकॉइन का ही तो ये बिटकॉइन के बेसिकली चार्ट है ठीक है और इसमें हम बहुत सारा कस्टम लाइन्स एंड ड्रॉइंग वगैरह किए हुए हैं जैसे ड्रॉइंग हम यहाँ से कर सकते हैं जैसे अगर हमें को एक लाइन्स बनाना है तो यहाँ से हम एक लाइन बना सकते हैं तो ये सब मेरा खुद का ड्रॉइंग है और ये हम बताएंगे भी बाद में कि कैसे ये सारा वर्क करते हैं और ये सब क्या है इसे कंफ्यूज मत हो अभी अभी के लिए लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है लेकिन धीरे धीरे हम बताएं तो इसमें क्या हो रहा है अभी बस बेसिकली यही समझो कि इस पॉइंट पे ये बेसिकली चार्ट पढ़ने तो आता होगा ना यहाँ पे वाई एक्सिस है ठीक है तो वाई एक्सिस पे प्राइस है तुम्हारा तो इस ये प्राइस अभी 29,000 है यहाँ से ये प्राइस बढ़ के यहाँ पे जा चुका है ये 65,000 हो गया तो बेसिकली ये बढ़ रहा है ओके और अगर हम पहले जाएं तो बेसिकली बिटकॉइन तो बहुत कम प्राइस पे मिलता था आने वाले कुछ साल पहले और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है इसका प्राइस तो इतना समझो अभी फिलहाल की ये एक्स वाई एक्सिस पे प्राइस रहता है और ऐसे बढ़ता है ग्राफ यहाँ पे ग्राफ एक लाइन नहीं है यहाँ पे ये कैंडल्स के फॉर्म में देखो तुमको दिख रहा होगा कैंडल्स है ग्रीन कैंडल इसको कैंडल बोलते हैं ठीक है ये जो बार दिख रहा है तुमको लाइन इसको कैंडल्स बोलते हैं ठीक है तो एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल बेसिकली दो ही कैंडल थे ग्रीन एंड रेड और ये लाइन तो यहाँ पे हम लोग जैसे ये लाइन बना है तो यहाँ लाइन नहीं होता है ग्राफ में यहाँ कैंडल्स के फॉर्म में प्राइस ऊपर नीचे होता है और ये सब क्या है हम आने वाले सेशन में बताएंगे ठीक है तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझो और हम बताएंगे अभी फर्स्ट तो यही है कि तुम लोग साइन अप कर लो जो हम लिंक भेजेंगे कैंडल स्टिक जैसा राकेश बोला है तो बिल्कुल धीरे धीरे हम बताएंगे तुमको कि कैसे इसको रीड किया जाता है कैंडल स्टिक को कैसे समझेंगे कि किसका प्राइस कैसे प्रिडिक्ट किया जाएगा तो वो सारा हम बताएंगे हाँ एक और चीज क्रिप्टोकरेंसी गैम्बलिंग है तो ये सब मत सुनना क्योंकि अभी बस ये सब बोलता है लोग वो इसलिए बोलता है क्योंकि सुन बहुत लोग ऐसा पेपर में है ना कि लोग करोड़पति भी बन गया और लोग रोड पे भी आ गया तो वो होता है क्रिप्टो करेंसी में ऐसा सारा चीज है कि तुम एक दिन में करोड़पति बन सकते हो रोड रोड पे भी आ सकते हो लेकिन हम लोग प्रॉपर स्किल्स एंड एनालिसिस पे करेंगे और अगर तुम प्रॉपर स्किल्स और एनालिसिस पे करोगे तो एक बार में ना तो करोड़पति बनोगे ना तो रोडपति बनोगे तुम्हारा लीनियर और अच्छा एक ग्रोथ मिलेगा ठीक है तो हम लोग वैसे ही सीखेंगे हम लोग को एक बार में नहीं पैसा अपना डबल ट्रिपल 10 गुना 20 गुना करना है वैसे अगर तुम करोगे तो मे बी एक टाइम पे अपना पैसा तुम 10 गुना कर भी लोगे लेकिन आने वाले टाइम में तुम जीरो भी कर सकते हो और एक बार जब देखो पैसा 10 गुना करना तो बहुत अच्छा लगता है ना लेकिन एक बार तुम जीरो पे जब चले जाओगे ना तब तुमको नया पैसा डालना होगा और जब तुम नया पैसा डालोगे ना तो फिर तुमको अलग से ऐड करना होगा पैसा तब जनरली लोग मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं तो अच्छा तो लगता है जब 10 गुना या करोड़पति हो जाते हैं लेकिन जब जीरो हो जाते हैं ना तो वही वो बोलेंगे कि मार्केट गैम्बलिंग का है या फिर बेकार है तो हम लोग वो सब तरीका नहीं देखेंगे या वो सब सोचना भी नहीं है इवन एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है वो सारा चीज का धीरे धीरे प्रॉपर स्किल एनालिसिस सारा एक प्रोसेस के जरिए ही कर सकते सर कोई रिसोर्स शेयर कर सकते जहाँ से देखो इसका कोई एक पार्टिकुलर रिसोर्स नहीं है तुम बहुत तरह के यूट्यूब वीडियोज मिल जाएंगे तुमको अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं वहां बताते हैं इवन गूगल वगैरह पे आर्टिकल्स वगैरह मिल जाएंगे और हम जैसे सीखे हैं तो हम हर अलग अलग रिसोर्स वगैरह से सीखे हैं कुछ यूट्यूब वीडियो कुछ गूगल पे आर्टिकल्स ऐसे करके तो कोई एक पार्टिकुलर हमको नहीं लगता शायद कोई क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट पे कोई कोर्स है तो कोई एक पैकेज नहीं है अभी तक आने वाले टाइम में भी वो कोर्स भी हो जाए लेकिन तुम यूट्यूब पे सीख सकते हो यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे वीडियोज हैं हाँ लेकिन जनरली वहां पे ना मतलब अभी फिलहाल जितने वीडियोज हम देखते हैं वो जनरली कोर कंसेप्ट पे डायरेक्ट मतलब सीधा इन्वेस्टमेंट कैसे करे किस कॉइन पे करे लेकिन तुमको वहां तक भी पहुंचने के लिए बेसिक्स तो पता होना चाहिए ना कि कैसे वर्क करती है कैसे ये क्या होता है तो वो उसके लिए हम हैं हम बता रहे तुमको नहीं तो तुम अगर बेसिक्स खुद से करना चाहो तो तुम छोटा मोटा चीज सर्च कर सकते हो जैसे अभी हम कैंडल स्टिक दिखाएं तो सर्च करो गूगल पे व्हाट इज कैंडल स्टिक्स और उस पर पढ़ो कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है फिर पढ़ो कि हाउ टू डू अ टेक्निकल एनालिसिस जो हम ग्राफ पे एनालिसिस कर रहे हैं ड्रॉइंग कर रहे हैं उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में टीए बोलते हैं ठीक है
तो ये हर एक मतलब शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, हर एक मार्केट में ग्राफ एनालिसिस होता है. इसको ग्राफ एनालिसिस बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं. तो अगर इसमें जानना है तो तुम सर्च कर सकते हो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस. तुम यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी कर सकते हो, ठीक है. तो ऐसे करके धीरे धीरे तुम जान सकते हो, क्योंकि हम भी ऐसे ही पढ़े हैं. हम कोई एक पर्टिकुलर कोर्स नहीं किए इसका, हम अलग अलग जगह से रिसोर्स इकट्ठा करके पढ़े. वजीरक सर में तो मीन $10 से स्टार्ट करना होता है, इतना तो हमें हमसे पॉसिबल नहीं है. नहीं, वॉजिरेक्स में $10 का ऐसा लिमिटेशन नहीं है. कौन बोला? $10 का कोई लिमिटेशन नहीं है. तुम वहां 100, 200, 500 रुपए से भी कर सकते हो शुरू. तो और $10 तुम्हारा कितना होता है? $10 तो 600 के करीब होता है ना. तो 600 तो आई गेस अफोर्ड कर सकते हो पॉकेट मनी तुम सेव करके चाहो तो. वैसे हमको पता है वजीरेक्स में 100-200 का भी ट्रेडिंग कर सकते हो. हाँ, लेकिन उसमें जो विड्रॉल होगा ना वो शायद 1000 रुपीज का ही होता है. मतलब 1000 से नीचे तुम विड्रॉ नहीं कर सकते अपने अकाउंट में. एटलीस्ट 1000 होने चाहिए. लेकिन तुम डिपॉजिट कम का भी कर सकते हो, 500 का भी कर सकते हो. तो 500 करो, अगर मान लो उसको तुम एक महीने दो महीने में इफ अगर डबल कर लेते हो तो 1000 तुम निकाल सकते हो. ये सारा हम बताएंगे कैसे ये सब. आप जब फर्स्ट टाइम बिटकॉइन वजीरेक्स से बिटकॉइन खरीदे कितना वैल्यू था बिटकॉइन. देखो वजीरेक्स से हम बिटकॉइन नहीं खरीदे, हम पहले स्टार्ट किए थे जेप्पे से. तो जेप्पे में जब हम बिटकॉइन खरीदे तो उस टाइम महज उसका वैल्यू था $10,000. $10 होता है लगभग, तुम कैलकुलेट करो तो लगभग 80,000 के करीब होता है वो, ठीक है. 80,000 हम ज्यादा ही बोल रहे हैं, तो 70-80,000 रुपया था उस टाइम बिटकॉइन का वैल्यू. और आज 53 लाख है, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है. रेट कितना था मतलब उस समय? अभी जैसे कि $50 $50,000 है, बताए तो $10,000 अभी से 8 गुना कम, इसे समझो. तब तो सर आपका बहुत वैल्यू हो गया होगा बिटकॉइन का. नहीं नहीं, एक्चुअली हम बिटकॉइन, तब तो आपका बहुत वैल्यू हो गया होगा. सही बता रहे हैं कि उस टाइम हम नूब थे ना, तो उस टाइम हम एक तो डरे बहुत कम भी इन्वेस्ट किए थे. मतलब बहुत कम बोलो तो 500,000 के फॉर्म में. और दूसरा कि उस टाइम इंडिया में तो और भी ऐसा था कि लीगल था ही नहीं. और बीच में 2018 में एक आरबीआई गाइडलाइंस भी आया कि शायद इसको इलीगल घोषित किया गया, इसके कारण मार्केट भी बहुत डिप हुआ था. तो उस टाइम जो हम खरीदे थे ना, उस टाइम 2017 के हिसाब से वो बहुत पीक था. $10,000 मतलब वो एकदम पीक पे गया हुआ था. और 2018 में उसका महज दाम $2,000 हो गया था, $2,000 या $3,000. सोचो तो 10,000 पे खरीदे और हम सोचे यार अब गिर के ये 5,000 हो गया, तो मेरा तो पैसा आधा हो गया. तो हम आधा में ही बेच दिए थे, समझे, मतलब लॉस में. लेकिन क्या पता था कि 10,000 से 50,000 हो जाएगा अगर हम उसको रखे होते अभी. तो एक तो हम लॉस में भी बेचे, पहला गलती. और ये बहुत सारा हम गलती किए हैं, गलती से सीखे हैं तभी आज यहाँ है. तभी वही हम तुम लोग को ही बताएंगे कि कैसे गलती ना करें और कैसे लॉस ना करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं इस मार्केट से, ठीक है. तो हम पहला गलती ये किए. दूसरा गलती एक और किए थे हम कि हम कुछ कुछ अपना क्वाइंस जो है, एक न्यूजीलैंड का एक्सचेंज था, क्रिप्टोपिया नाम था, ठीक है, वहां पे रखते थे और वहां पे ट्रेड करते थे. और उस टाइम क्या हुआ ना कि वो पूरा एक्सचेंज ही हैक हो गया. तो वहां पे जितने क्वाइंस थे मेरे वो भी लॉस हुए. लगभग उस टाइम तो हम पैसा फिर लगाए भी लिए थे. ये क्रिप्टोपिया वाला बात लगभग 6 महीना बाद का है. तो 6 महीना के बाद हम थोड़ा देखे कि पैसा लगाते हैं, तो उस टाइम लगभग 20 से 25 हजार हम रुपया लगाए थे और वो पूरा डूब गया था मेरा 2018 में, ठीक है. और 2018 में डूबने के बाद हम इस मार्केट से संन्यास लिए और एग्जिट करके, और फिर हम इस वापस इस मार्केट में आए हैं 2021 के स्टार्टिंग में, मई के आसपास में, ठीक है, अप्रैल मई के पास, जब ऑलरेडी फिर से पीक लिया था, तब आया था. और फिर अभी इस मार्केट में है और अभी फिलहाल एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके हम चल रहे हैं. और इधर आने के बाद भी ऐसा नहीं कि मेरे को लॉस नहीं हुआ. इधर वापस आने के बाद भी मेरे को स्टार्टिंग में लॉस हुआ, लेकिन वो लॉस इसलिए हो रहा था क्योंकि हम बहुत नूब तरीके से प्ले कर रहे थे. कुछ पता नहीं था, डायरेक्ट किसी भी कॉइन में डाल देना, कभी भी निकाल लेना बिना कुछ जाने, टीए किए हुए, ग्राफ पढ़े हुए. तो इसलिए मेरे को लॉस होता था. अब सारा स्किल सेट डेवलप करने के बाद, लर्निंग होने के बाद अगर हम कर रहे हैं तो अब मेरे को प्रॉफिट ही होता है. तो बहुत लॉस मेरा है कि अगर हम हमेशा जान सकते कि क्या बाय प्राइस है, क्या सेल प्राइस है, तो हम ऐसा इंश्योर नहीं कर सकते कि अगर हम महंगा खरीद लिए तो तब तक वो क्वाइन रखेंगे अपने पास जब तक कि उसका रेट उससे भी महंगा नहीं हो जाता बेचने का. देखो ये जो स्ट्रेटजी है कि तुम होल्ड करने इसको बोलते हैं, कि जब तक उसका प्राइस महंगा नहीं हो, अगर गिर रहा है तो हम लोग वेट करें और जब महंगा हो तब बेचे, ये कर सकते हो तुम. लेकिन वो करेंसी अच्छा होना चाहिए. जैसे बिटकॉइन के केस या फिर बहुत सारा अच्छा करेंसी के केस में तो ये पॉसिबल है कि ऑब्वियसली जिस प्राइस पे तुम खरीदे हो उससे ऊपर जाएगा आने वाले टाइम में. मे बी कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत नीचे हो, आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा, तो तुम बाद में बेचना.
लेकिन बहुत सारा ऐसा करेंसी जो नया आया जिसके बारे में तुमको अच्छा नॉलेज नहीं है, क्या पता वो कभी बढ़े ही ना, तुम जिस प्राइस पे लिए वो घटता ही जा रहा हो। तो दोनों ऑप्शन है, तो तुमको पहले क्वाइंस भी जानना होगा कि ये अगर अच्छा क्वाइन है तुमको बिलीफ है। अब ये अच्छा क्वाइन क्या होता है, अच्छा क्वाइन को जानने के लिए ना उसके लिए उस क्वाइन के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना होगा कि इसका यूज क्या है, ये क्यों बना है, ये क्या काम करता है। तो वो सब जानने के बाद तुमको लगा अच्छा इस क्वाइन में पोटेंशियल है, बढ़ेगा, तो तुम होल्ड करो। तब तक बेचो ही नहीं जब तक उसका प्राइस ऊपर ना जाए, और जब ऊपर जाए तब बेचो। तो ये कर सकते हो। हम तो उस टाइम गलती की नहीं, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं था, हम बेच दिए 10,000 से नीचे, हम आधा पे बेच दिए उसको, सोचो। तो ये गलती की है। और सोचो वही हम रखे होते 10,000 में और आज 50-60,000 चल रहा है उसका रेट। तो होता है, अब उस टाइम हमको नहीं पता था, यही हम सोचे कि तुम लोग गलती ना करो इसलिए हम एक सेशन ले। और अभी तो अच्छा लगा कि एटलीस्ट 15 लोग हैं डीसी से जो इंटरेस्टेड है, और तुम लोग इंटरेस्टेड रहो, इंटरेक्टिव रहो, बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ समझ में आएगा तुम लोगों को, मजा भी बहुत है। सर हम लोग के लिए आप है ना, आपका गलती नहीं हम लोग से होगा। हाँ भाई, हम बोल रहे हैं कि मेरा जो भी गलती हम की, हम बहुत गलती की है तुमको, हम एक टाइम में बहुत लॉस किए, फिर बहुत सारा चीज हुआ, तो वो सारे से सीखे हैं। ऑब्वियसली हर एक फेलियर साथ में सीखता ही है, तो वो सबसे सीखने के बाद आज है कि अब लगभग 100 ट्रेड लेते हैं हम, तो 100 में से 80 के करीब मेरा सक्सेसफुल जाता है, 20 ही लॉस में आता है। तो इतना अच्छा, अब देखो 100% परफेक्ट और श्योर तो कभी भी इस मार्केट में कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई भी नहीं। तो लॉस थोड़ा बहुत होंगे, लेकिन मैटर ये करता है कि नेट प्रॉफिट तुम्हारा ज्यादा हो। मान लो तुम 1,000 रुपया प्रॉफिट कमाए और 20 या 100 रुपया लॉस किए, तो नेट प्रॉफिट तुम्हारा 900 के आसपास है। तो नेट प्रॉफिट मेन मैटर करेगा, ऐसा नहीं है कि तुम 1,000 कमाए और लॉस 0 कर रहे हो, 0 तो ऑप्शन ही नहीं आता है। लॉस करोगे तुम ऑब्वियसली कुछ टाइम पे, लेकिन हाँ प्रॉफिट तुम्हारा लॉस से ज्यादा होना चाहिए, तभी तुम्हें मचा है, ठीक है। तो अच्छा, आप कुछ अपना कुछ स्टोर करके पेन ड्राइव या फिर सॉफ्टवेयर में कहीं रखे हुए? देखो अभी हम हार्डवेयर वॉलेट परचेज नहीं किए प्रकाश, लेकिन हम सोच रहे हैं करने का, ठीक है। तो अभी हम सॉफ्टवेयर वॉलेट में रखते हैं, थोड़ा बहुत एक्सचेंज पे रखते हैं, लेकिन हार्डवेयर वॉलेट वाले में अभी हम नहीं रखते हैं। लेकिन रखेंगे जो हम खरीद के रखते हैं, मान लीजिए कि 0.0001 बिटकॉइन रखे हुए एक्सचेंज में, तो वो हम अपना निकाल नहीं सकते, सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं वापस बैंक में? बैंक में कन्वर्ट तुम नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उसको बेच सकते हो, INR में आ जाएगा वो, वजीरेक्स में INR में ऑप्शन है, और INR को तुम क्या कहते हैं फिर बैंक में विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बिटकॉइन नहीं निकाल सकते उसमें से? बिटकॉइन भी निकाल सकते हो तुम, बिटकॉइन अगर तुम किसी और एड्रेस पे भेजना चाहो तो वो भी बेच सकते हो। तो वो तो मेरा एक्सचेंज में ना है अभी, तो एक्सचेंज में तो क्या, एक्सचेंज में तुमको एड्रेस पे भेजने को मिल जाएगा ऑप्शन, वहां पे एड्रेस पे भेज सकते हो। हम क्या बताए थे उस टाइम कि ओन नहीं करते हो, डेट मींस का मतलब तुम्हारे पास कोई अलग से एक प्राइवेट की नहीं है, मतलब कि वो प्राइवेट की कि तुम प्रूफ हो कि तुम्हारे पास इतना बिटकॉइन। अगर मान लो कल के डेट में एक्सचेंज बोलता है कि नहीं तुम्हारे पास ये बिटकॉइन नहीं है, तो तुम क्लेम भी नहीं कर पाओगे। हाँ बस तुम ये बोल सकते हो कि देखिए आप मेरा पिछले वॉलेट का ट्रांजेक्शन देखिए, हम इतना ट्रांजेक्शन किए थे, मतलब ये थोड़ा बहुत तुम बोल सकते हो, लेकिन हाँ क्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्राइवेट की नहीं है। तो कल को वो बिटकॉइन तुम्हारा एक्सचेंज चुरा ले या फिर कुछ, बहुत सारा फ्रॉड एक्सचेंज भी होता है, तो वो सब पे अगर नहीं जाओ तुम लोग तो बेटर ही है। मतलब अच्छा एक्सचेंज यूज करो जो ट्रस्टेड है, जो बहुत लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं, जैसे वजीरेक्स है, बाइनेंस है, सब अच्छा एक्सचेंज। तो एक्सचेंज पे रहने पे ये बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ लेकिन अगर वॉलेट्स में स्टोर है, सॉफ्टवेयर वॉलेट या हार्डवेयर, तो उसके लिए तुमको एक प्रॉपर प्राइवेट की है, तो तुम वहां पे ओन कर सकते हो उसको, और वो की ही तुम्हारा एक वो है कि तुम इसके ओनर हो। राकेश आप फोरेक्स भी करते हैं? देखो फोरेक्स हम नहीं करते बेसिकली, अगर बोलो तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी करते हैं, लेकिन नॉलेज और हम एक बार एक्सप्लोर सारा चीज किए हैं, हम शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आईपीओ, आईडीओ, फॉरेक्स, सारा चीज एक्सप्लोर किया है, लेकिन मजा जो आता है, जो प्रॉफिट है, वो क्रिप्टो करेंसी में, इवन क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो हम फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी पे है, लेकिन हम एक्सप्लोर किए हैं एक टाइम पे, ओक्टा एफएक्स वगैरह से हम फोरेक्स का हम देखे थे, मेटा ट्रेडर वगैरह डाल के, लेकिन उतना ज्यादा हम नहीं उस पे, मतलब नहीं किया, डेप्थ इन डेप्थ नहीं किया। फॉरेक्स क्या हुआ तुम लोग, मतलब बाकी लोग को बता देते हैं, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन का जो करेंसी है उससे ट्रेड करना, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम डॉलर और INR में, हम जैसे डॉलर का प्राइस INR के रिस्पेक्ट में बढ़ घट रहा है, तो अगर जिस टाइम कम है उस टाइम अगर डॉलर खरीद लिया और जब ज्यादा है तब बेच दिया, तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। सेम दूसरे करेंसी में भी हो सकता है। हाँ मजा तो बहुत आता है, हाँ वॉलेटिलिटी में मजा तो बहुत आता है, लेकिन हाँ डूबता है, मतलब प्राइसेस जब डिप आती है ना, तो उस टाइम भी बहुत लगता है कि अरे डिप हो रहा है, तो घबराते भी लोग बहुत है। और इस मार्केट में आने के लिए ना सबसे मेन चीज चाहिए होगा, वो तुमको चाहिए होगा पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लॉस में हो
थोड़ा पेशेंस रखो क्योंकि आने वाले टाइम में प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन अगर उसी घबरा के तुम लॉस में बेच दिए तो तुम बोलोगे कि सर हमको लॉस हो गया। तो पेशेंस बहुत मायने रखता है इस मार्केट में, पेशेंस इज द की, और जो मेरे में शुरू में नहीं था अब बहुत है। तो यही करेज तो पेशेंस ही आ गया ना बेसिकली, अगर पेशेंस रख रहे हो तो करेज तो है ही तुम्हारे पास, मेन और पेशेंस। अच्छा, इंडिया के टॉप क्रिप्टो ट्रेडिंग कौन करते हैं? कोई ऐसा बंदा है आदमी मतलब बहुत फेमस है इसमें? देखो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे खासे बहुत पुराने हैं, मतलब 2017 15 से कर रहे हैं ट्रेडिंग। यूट्यूब पे है एक ओपन फॉर प्रॉफिट नाम का यूट्यूब चैनल है, एक पुष्पेंद्र है, एक क्रिप्टो इंडिया है, क्रिप्टो पॉइंट है, तो ये सब जो है वो लोग बहुत पहले से कर रहे हैं और अच्छे खासे अमाउंट में कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि छोटा मोटा, वो लोग लाखों में भी करोड़ों में उनके पास वैल्यू है क्रिप्टो करेंसी का, तो वो है। लेकिन हाँ, ऐसा कोई आर्टिकल या फिर ऐसा कुछ हम नहीं देखे कि हाँ जैसे राकेश झुनझुनवाला स्टॉक में है, तो ऐसा कोई नया बड़ा फेम नहीं है जो हम जानते हो कि बहुत बड़े क्रिप्टो करेंसी ओन कर रहे हैं। ठीक राकेश है, इंडिया, झुनझुनवाला तो फिर दिवाली में 100 करोड़ का किया। हाँ, तो वो बहुत बड़े नाम है ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में, लेकिन वैसा कोई ऐसा बड़ा नाम अभी तक क्रिप्टो करेंसी में नहीं है जो हम थोड़ा बहुत जानते हैं। वो एक यूट्यूबर हो गया या कुछ कुछ ऐसे पुराने लोग उन्हीं को जानते हैं पर्सनली, वैसे ऐसा कोई आर्टिकल नहीं। तो और जो लोग कुछ बोले ही नहीं है, सरवन, सोनू, सिंपल, रक्षिता रानी, तुम लोग बात कर सकते हो यार। मतलब कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा, बोरिंग लग रहा है, तो भी बोलोगे सर कुछ बेकार लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। श्रवण पूछ लो। सर हम लोग सुन रहा है आपको। अरे हो गया क्लियर प्रकाश। नहीं, सुनना सही है, सुनो तो अच्छा है, लेकिन हाँ अगर डाउट है देन ठीक है पूछ सकते हो, और फिर आने वाले टाइम में तो देखते हैं। अच्छा लगा कि तुम लोग का सारा डाउट क्लियर हो रहा है, क्योंकि जनरली ये जो एक नया फील्ड है ना, इसमें इतने सारे डाउट होते हैं ना नए लोग को, मतलब आंसर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोग को बहुत डाउट होता है। तो अच्छा है कि क्लियर है, और अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग ऑब्वियसली अपने कॉलेज से हैं जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अभी मार्केट बहुत नया, बहुत लोग खराब समझते हैं इस मार्केट को कि फालतू मार्केट है, लेकिन आने वाला फ्यूचर यही है यार। क्योंकि अब जैसे हम बताया ना कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर जो बोल रहे हैं, वाइस क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, ये है वो है, क्यों है ये समझो कि अगर मान लो अगर हमको ग्लोबली किसी दूसरे, मान लो अगर बिजनेसमैन है, मेरा एक कंपनी इंडिया में, ठीक है, सिंगापुर का कोई एक बिजनेसमैन है, उसके साथ हमको कुछ मान लो रिलेशन करके बिजनेस करना है, ठीक, तो बिजनेस और रिलेशन के लिए चाहिए होगा फंडिंग, पैसे, पैसे देंगे, लेन देन करेंगे, तभी तो हम उसके साथ बिजनेस रिलेशन बना सकते, तब अपना बिजनेस ग्रो कर सकते। मान लो हम कोलैब करना चाहते हैं उस कंपनी से, और मान लो वो मेरा कंपनी है और वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, हम चाहते हैं कि वो मेरे लिए एडवर्टीजमेंट करें पूरा ग्लोबली, तो अब उसके लिए हम उसको फंडिंग करेंगे, कोलैब करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे, चाहे मे बी हो सकता है मंथली भी फंडिंग करना हो टाइम टू टाइम, या फिर वीकली करना हो उसको जिस हिसाब से। तो फंडिंग का एक इशू आता है ना, जैसे इंटरनेट फ्यूचर क्यों है आज के डेट में, कि इंटरनेट से हम लोग कहीं भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे अभी हम लोग इंटरनेट के द्वारा ही बात कर पा रहे हैं ना, तो उसी तरह फंडिंग का इशू तब आ जाएगा जब अगर कोई दूसरे नेशन में जहां पे उसका करेंसी कुछ और है, मेरा कुछ और है, तो यहाँ पे हम लोग हेल्प लेते हैं बैंक्स का, कि बैंक मीडिएटर के तौर पे आया, तुम्हारा फंड को कन्वर्ट किया, वहां भेजा, उसको उसको कन्वर्ट करके, इतना सारा बीच में लेन देन मीडिएटिंग होता है, इसमें बहुत सारा लिमिटेशन भी है, जैसे ट्रांजेक्शन लिमिट हो जाएगा कि एक दिन में इससे ज्यादा तुम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, एक टाइम पे नहीं कर सकते हो, एक बार में नहीं कर सकते हो, इस पे मे बी करेंसी कन्वर्जन पे टैक्स लगेगा, जीएसटी फलाना ठिकाना, बहुत सारा चीज लगेगा। तो इतना जो माथा पीछे इससे बचने के लिए अगर वो क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं और हम क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं, तो हम एक बार में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी भेज सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, तुम लाखों का, करोड़ों का, 10 करोड़ों का भी तुम क्रिप्टो करेंसी एक सेकंड में, एक बार में भेज सकते हो कहीं भी विद इन अ सेकंड। तो सोचो कि कितना ज्यादा फ्यूचर है इसका, मतलब मान लो अगर हमको ट्रांजेक्शन करना बहुत बड़ा हो, हम उसको तुरंत भेज देंगे, आराम से चला भी गया बीच में, कोई बैंक किसी को कुछ पता भी नहीं चला, आराम से पैसा उसके पास रिसीव भी हो गया। तो आने वाले टाइम में ये सब पॉसिबल है, ये सब होगा, इससे ट्रांजेक्शन फास्ट होगा, बीच का मीडिएटर हट रहा होगा, हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, लिमिटेशंस नहीं होंगे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे, नंबर ऑफ अमाउंट पे, अनलिमिटेड अमाउंट हम लोग ट्रांजेक्शन करते। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए जिससे तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्यों जरूरत है, क्यों है ये फ्यूचर। जैसे इंटरनेट हम लोग को कनेक्ट किया पूरा, मतलब हम लोग कहीं भी बैठे हैं उससे कोई मतलब नहीं, लोग इंटरकनेक्टेड है, तो उसी तरह क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल सेक्टर में पूरे ग्लोबल को, ग्लोबल एक इकोनॉमी को कनेक्ट करने के काम में आने वाला है।
और उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है मेटावर्स, जिसको हम अगले टॉप अगले सेशंस में कभी डिस्कस करेंगे। मेटावर्स अभी तुम लोग बहुत सुन भी रहे होगे, हाइप है, फेसबुक अपना नाम मेटा चेंज कर लिया, तो क्यों किया है, क्या बिजनेस प्लान है, वो सब हम अगले सेशन में कभी बताएंगे। आज के लिए इतना हमको लगता है काफी हो गया होगा, बहुत बता दिया। कैसा लगा सेशन ये बताओ, फीडबैक हमको चाहिए, कैसा लगा, क्या हम सही से एक्सप्लेन कर पाए? बहुत अच्छा था, एक्साइटिंग था, लेकिन क्या ये इतना नया चीज है कि कंफ्यूजिंग थोड़ा है। हाँ ऑब्वियसली होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल हम भी किया ना समझने में, और ऐसा कोई पार्टिकुलर रिसोर्स नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे से सिंपल वे में तुमको एक्सप्लेन करे। हम तो इतना सारा पढ़ के खुद समझ के फिर एक्सप्लेन किए, तो तुम लोगों को लग रहा होगा ऐसा लगता है कि मतलब बुक पढ़ने से ये समझ में नहीं आने वाला, ये ऐसा कुछ सर्कल रहेगा फ्रेंड्स का जो कि डिस्कस करे तभी होगा। अच्छा जब लास्ट बताया तो समझा। हाँ ये एग्जांपल बहुत अच्छा था बैंक वाला जो हम बताएं, और बहुत जरूरी था क्रिप्टो करेंसी का, इसलिए फ्यूचर है ठीक है। और बिटकॉइन में ही लोग जनरली लेन देन आने वाले टाइम में करने वाले हैं, या फिर कोई भी अच्छे इथेरियम वगैरह में वही होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे डिजिटल करेंसी, पहले तो डिजिटल इंडिया हो रहा था ना, अब धीरे धीरे डिजिटल करेंसी पे भी लोग जाएंगे। अब मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया अपना डिजिटल INR निकाल ले, कि वो वैल्यू उतना ही हो INR के बराबर, आप उसको डिजिटली भी एक दूसरे को भेज सकते हैं ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी यूज करके। तो कुछ भी पॉसिबल है, आने वाले टाइम में बहुत कुछ है, और क्रिप्टो करेंसी का जरूरत आने वाले टाइम में एकदम है। और इंडिया हम लोग का कोई अभी है क्या? नहीं अभी कुछ भी नहीं है ब्लॉकचेन कॉइन, नहीं अभी कोई भी ऐसा कॉइन नहीं। और जो भी है, एक और बात बताते हैं, कॉइन बनाना बहुत ईजी है, हम लोग अपना कॉइन खुद के नाम पे भी बना सकते हैं और लिस्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी या बड़े बड़े कंट्री के नाम पे कॉइन बना दिए, और उसको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये इंडिया का कॉइन है, तो हम लोग इन्वेस्ट किए और पता चला वो बाद में डंप करके चला गया, हम लोग को पैसा लॉस हो गया। तो तुम अगर देखोगे तो इंडिया वर्ल्ड से एक कॉइन है, लेकिन वो इंडिया का कॉइन नहीं है, वो कोई नॉर्मल इंडिविजुअल ऐसे ही फेक बनाया हुआ है इंडिया के नाम से, और पैसा डंप करके कभी भी चला जाएगा, वो भी जब तक चल रहा है चल रहा है। तो ऐसा बहुत सारा कॉइन अवेलेबल है। पॉलीगॉनमैटिक ये इंडिया नहीं है ना? पॉलीगॉनमैटिक इंडिया के डेवलपर ने बनाया है, लेकिन वो इंडिया का नहीं है। आई मीन ये हमको लगा गवर्नमेंट का क्वेश्चन तुम बोल रहे थे पिछला, वो इंडियन पुणे के मतलब वो जो बनाया है डेवलपर, वो इंडियन है डेवलपर, उनके इंडियन है बेसिकली, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कुछ किसी का इंडिया कॉइन नहीं है। हम थोड़ा अलग इसको मतलब कर रहे थे आदित्य, हम एक लक्ष्मी कॉइन का सुने थे तो बोला इंडिया का भी आ गया। देखो ये सब देखो, लक्ष्मी कॉइन चाहे जो भी हम बताए ना, कि कॉइन कोई भी इंडिविजुअली बना सकता है ठीक है, कोई भी बनाया उसका नाम कुछ भी रख दिया, लोग को लगता है कि मे बी इंडिया का गवर्नमेंट का कॉइन है चाहे कुछ भी, लेकिन इवन तो एक कॉइन का नाम इंडिया ही है सीधा, इंडिया INDI है। अब लोग को लगेगा सुन के कि मे बी गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, वो गवर्नमेंट नहीं बनाया, वो किसी इंडिविजुअल ने बनाया, और मे बी वो कभी भी फ्रॉड करके जा सकता है। तो पहला बात बहुत जरूरी है इस स्पेस में कि हर एक चीज अच्छे से समझ में आए तभी हम लोग वहां इन्वेस्ट करें, जो चीज नहीं पता है फालतू को हम पैसा डाल के कुछ फायदा नहीं। ओके, एक अगर बड़े बिजनेस लोग नया कॉइन बनाते हैं तो फिक्स कर देते हैं कि इतना बन गया, या फिर वो धीरे धीरे माइन करके बढ़ते जाता है कॉइन का संख्या। देखो बताया ना कि कॉइन दोनों होता है, माइनेबल नॉन माइनेबल दोनों, तो फिक्स भी होता है और माइन वाला भी सिस्टम होता है कि इतना कॉइन पहले लॉक्ड है और इतना माइनिंग के लिए है। तो दोनों एक साथ मतलब दो अलग अलग चीज है, आप डिसाइड होता है, ओनर क्या डिसाइड करता है कि वो फिक्स वाला बनाना चाहेगा कि नहीं, और वो सारा चीज पहले ही फिक्स होता है, अमाउंट फिक्स होता है उसका, और बेस प्राइस क्या होता है, वो कितने प्राइस पे लॉन्च करना चाहते हैं, वो सारा वो लोग डिसाइड करके ऐसे लॉन्च किया और फिर ऐसे होता है। अब जैसे गौतम का, अगर बड़े बिजनेस कॉइन बनाए हुए तो वो चलेगा ना? देखो इसी के लिए लोग क्या करते हैं ना, कि अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन या कंट्री के नाम पे कॉइन बना दिए और लोग चला देते हैं। जैसे इंडिया नाम का कॉइन बनाया तो लोग समझते हैं अरे इंडिया का है, तो लोग उसमें पैसा डाल रहे हैं ठीक। अब जैसे मान लो इलॉन मस्क बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, अब इलॉन नाम का ये कॉइन बना दिया है, भी इलॉन नाम का कॉइन है और वो चल भी रहा है, जब तक चल रहा है उसका कोई अपना मतलब नहीं है, फिर जब भी चाहे वो बंद भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं। लेकिन अगर कोई ऑफिशियली अपना बिजनेसमैन, जैसे मान लो रतन टाटा जी हैं, या फिर जो तुम्हारा मुकेश अंबानी, अगर वो अपना कॉइन कुछ जियो कॉइन बनाते हैं ठीक, और उसका यूज केस ये होगा कि उस कॉइन की मदद से तुम जियो स्टोर वगैरह पे सामान खरीद सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। तो जब कॉइन का यूज केस आ गया, कॉइन इतना बड़े कंपनी का है, इतना बड़ा उसका ओनर है, तो ऑब्वियसली उस कॉइन का प्राइस बढ़ेगा, तब हम लोग वहां इन्वेस्ट करें तो समझ में आता है। लेकिन अगर हम ही है, मान लो फ्रॉड करना चाहते हैं, हम जियो नाम से एक जियो कॉइन बना दिए और सबको बोल दिया अरे जियो कॉइन है, जियो कॉइन है, सो नाम से सब ले लेगा, लेकिन हम जब चाहेंगे उसको बेच के पूरा जीरो कर सकते हैं उसका वैल्यू, और हम प्रॉफिट कमा के निकल सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं।
तो वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बनाया, क्या बनाया. बिजनेसमैन बनाएंगे, आने वाले टाइम में आने वाला है, आएगा भी. मे बी जियो कॉइन है, फेसबुक अपना कॉइन निकाल सकता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन निकालेंगे, सेलिब्रिटी निकाल सकते हैं कॉइन. कॉइन के डेवलपर तो चेक कर, हाँ चेक कर सकते हैं बिल्कुल. सारा चीज हम लोग कॉइन के बारे में जान सकते हैं क्योंकि ये सारा चीज ट्रांसपेरेंट है ना, हम लोग एक एक चीज जान सकते हैं. ठीक है, आप यूएन कॉइन, जिस उन कॉइन जिसका कोई पर्पस नहीं उसमें इन्वेस्ट करते हैं क्या? नहीं नहीं, जिस कॉइन का पर्पस नहीं है जनरली हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते. लेकिन हाँ, एक और चीज हम बता रहे हैं कि अब हम प्रॉफिट ऑलरेडी कमाए हैं इसमें, तो उस प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल कॉइन जिसका हमको लगता है कि चांस है, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली वो यूजलेस है. अब जैसे मीम कॉइन्स उसको बोलते हैं जिसका कोई यूज नहीं है, जैसे डॉज कॉइन, सिबा कॉइन, ये सब का नाम भी सुने हो तुम लोग, या जैसे हम इलॉन का भी नाम लिए अभी, इलॉन जो इलॉन मस्क पे बना हुआ है, डॉज इलॉन बोलते हैं. ये सारे कॉइन पे हम थोड़ा बहुत अमाउंट, जैसे पता है ना 0.01% अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो हम भूल जाते हैं कि हम कभी लगाए हैं उसमें पैसा. हम जानते हैं कि मे बी वो जीरो ही हो जाएगा, लेकिन कभी अगर वो मेरे को 10x प्रॉफिट दे दिया, मान लो 100 रुपये लगा 1000 रुपये बन गया, तो 100 रुपये मेरा जाएगा तो मेरे हिसाब से मेरे लिए कुछ नहीं गया क्योंकि हम उससे ज्यादा ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके हैं. लेकिन अगर 1000 बन गया तो मेरे को तो प्रॉफिट हो गया ना. तो हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन हम अभी इनिशियली तुम लोग को नहीं बोलेंगे एक्सपेरिमेंट करने, क्योंकि इनिशियली तुम लोग को लॉस हो सकता है. जब एक बार प्रॉफिट कमा लो फिर प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट पे एक्सपेरिमेंट करना, अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को एक्सपेरिमेंट में मत लगाओ. हम तो करते हैं थोड़ा बहुत मीम कॉइन में करते हैं, हाँ मीम कॉइन इसी को बोलते हैं, मीम कॉइन में करते हैं. ठीक है, सब लोग बोला है, गौतम, राकेश, रक्षिता, समझ में आ रहा है तुम हो या फिर बस बोरिंग लग रहा है? हम तो वैसे साथ ही लोग बचे हैं, सेशन काफी लंबा हो गया इसीलिए, लेकिन अब इंट्रोडक्टरी सेशन था, इतने डाउट्स आ रहे थे तो बीच में छोड़ नहीं सकते ना. हेलो सर, नेक्स्ट सेशन में सर मेटावर्स का बताइएगा. वो डिसाइड कर लेंगे टॉपिक, जो भी तुम लोग बोलोगे वो बता देंगे हम. सर कुछ ऐसा ना सर, लाइक कि जो प्रैक्टिकल में हमको मींस हेल्प करे, मींस डे टू डे में, लाइक थ्योरीज बहुत सारे हैं या फिर मींस होता है ना कि ये सब होता है, बट जो प्रैक्टिकल में हेल्प कर सके वो.